आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ ऑल दो क्लास इलेवंथ का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है बट फिर भी हमने इससे इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज ये टॉपिक हमारा बहुत समय से पेंडिंग था एंड इट इज टाइम हाई टाइम टू कवर दिस टॉपिक ठीक है तो मॉर्को एंड एनोटमी सबसे पहले हम करेंगे पहला चैप्टर अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रहेगा एंड देन अपना रहेगा anatomy. ये किस यूनिट में रहते हैं बेटा एक यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसमें चैप्टर नंबर फाइव जो है आपका वो क्या है मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है ये जो चैप्टर है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इस चैप्टर के कोई दायरे नहीं है इस चैप्टर की कोई बाउंड्री नहीं है कि कहां पर रुकना है जैसे जो प्लांट किंगडम है एनिमल किंगडम है उनका भी कोई बाउंड्री नहीं है कि कहां पर रुके जितना एग्जाम्पल करना चाहे उतना कर सकते हैं जितना डिटेल जितना टाइप्स जो करना चाहे बेटा वो कर सकते हैं बट बेटा सिंस वी आर नॉट डूइंग पी इन बॉटनी वी आर डूइंग नीट एग्जामिनेशन तो नीट में बेटा इस चैप्टर में से स्पेसिफिकली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है आपका एनसीआरटी बेस तो यार अपना काम आज के सेशन में और आने वाले सेशन में होगा कि हमने एनसीआरटी को इतने बढ़िया तरीके से समझना है और उसके एग्जाम्पल्स को याद करना है क्लास के अंदर ही ठीक है तो मूली गाजर आलू आपकी अदरक केला शकरगंदी इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे और इन्हीं को लर्न करेंगे प्याज के बारे में समझेंगे लसन के बारे में समझेंगे कि यार हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे रूट खा रहे हैं स्टेम खा रहे हैं लीफ खा रहे हैं क्या चीज हम खाते हैं तो यार फटाफट से अपनी एक्साइटमेंट का लेवल है या नहीं है पहले तो ये बता दो ठीक है? है या नहीं है एंड देन अगर है तो कितना है फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दीजिए बिकॉज बेटा अगले दो या तीन दिन यानी कि कल या फिर मैं फैमिलीज़ के लिए स्पेशली परसों का दिन भी लूंगी वैसे तो कल भी आप ये चैप्टर को कम्प्लीट कर सकते हो बट आई एम नॉट इन एनी हरी बिकॉज ये चैप्टर मैं चाहती हूँ मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूं आपको तो यार अच्छे से हो पूरा टाइम लगा के करें कल तक हो जाएगा बस फैमिली की ट्रिक्स के लिए हम एक सेपरेट डे लेंगे जो कि परसों का लेंगे एंड देन दो दिन में अपने लोग एनाटॉमी खत्म कर देंगे तो यहां पर अपना इस यूनिट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के दो चैप्टर हो जाएंगे अब इस चैप्टर का वेटेज कितना है देखिए अगर पिछले साल की बात करें तो तीन क्वेश्चन आए थे आपके मॉर्फोलॉजी में से और तीन ही क्वेश्चन आए थे एनाटॉमी में से तीन क्वेश्चन का मतलब होता है दैट इज सिक्स इंटू थ्री कितने नंबर का पेपर आ गया सिक्स इंटू फोर है ना चार नंबर का न, न, तीन क्वेश्चन थ्री इंटू फोर फोर थ्री बारह का पेपर आपका इसमें से और बारह का पेपर आपका उसमें से रहता है तो एवरेज बारह से सोलह हो सकता है और बारह की जगह ये सोलह भी हो सकता है कुछ कह नहीं सकते लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आसान आएगा क्वेश्चन आएगा एनसीआरटी में से और एग्जाम्पल में से ही आता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बारी बारी रिपीट होती है जिसके बारे में आज अपने बात करेंगे सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन जी देखिए मुझे ये ये ना चीज बड़ी अजीब लगती है एक तो जो आस्था कुमारी पहले बहुत बोल रही थी है ना क्लास में आने से पहले अब तो खैर वो वो दिख ही नहीं रही है दिखेंगे ऐसी भाषा आप एक अपने एल्डर के लिए निकाल सकते हो विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेकेंड चीज चलो वो तो आउट हो गई नेक्स्ट चीज जो अपनी रहती है वो रहती है कि अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें मुझे कोई बच्चा ये बोलता हुआ नहीं दिखना चाहिए ये कब होगा वो कब होगा कितने दिन में होगा कब तक होगा देखिए बेटा प्लान ये है अभी छोटे छोटे गोल्स मैं भी बनाती हूँ छोटे छोटे गोल्स आप भी बनाइए मेरे अगले पांच दिन का प्लान यही है कि भैया ये दो चैप्टर्स अपने को करने हैं अच्छे से करने हैं डिटेल में करने हैं कुछ छोड़ना नहीं है एवरीथिंग वी हैव टू लर्न आप भी बेटा ये छोटे गोल्स अगर बनाते हैं तो मेरे साथ ये गोल आप बना सकते हैं ये कब होगा वो कब होगा देखिए होना तो सब कुछ है थर्टी एट चैप्टर है थर्टी एट के थर्टी एट होने हैं बारहवीं कक्षा ऑलमोस्ट डन है वो स्ट्रेटेजी और माइक्रोब को मैं काउंट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन आता है वो हम कर लेंगे वन शॉट में करेंगे जब वन शॉट का समय आएगा उसको मैं अलग से अभी टाइम नहीं दे रही हूँ तो अब हम ग्यारह में आ चुके हैं बारहवीं आपकी डन हो चुकी है तो जब यार इलेवंथ पर आ ही गए हैं इतनी दूर तक हम आए हैं तो आगे का सफर भी तय कर लेंगे प्लांट फीसियो कब होगा ह्यूमन फीसियो बेटा अभी पूरा कैलेंडर लिख के दे दूं तो तुम्हें शांति पड़ेगी सब कुछ होगा ठीक है अगर आपको बहुत जल्दी है कि नहीं मुझे अभी करना है मेरा लिंक ट्री आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है मैंने इसी वजह से बनाया है कि कोई बच्चा जबरदस्ती मेरी स्पीड से ना चले वो अपनी स्पीड से चले आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है आप करना चाहते हैं तो प्लीज जाइए कहां पर गूगल पर गूगल को बोलिए कि लिंक ट्री सीप पहुजा खोलो उसमें बेटा तुम्हें मेरा हर 11th और 12th का चैप्टर मिल जाएगा तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वहां करिए मैं यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चों की स्पीड के अकॉर्डिंग करती हूँ आपकी स्पीड हाई है फॉलोइंग ट्री इफ इट इज फॉलोइंग जनरल जनता के अकॉर्डिंग है ठीक है जनता की आवाज को अपने लोग सुनते हैं ठीक है किसको सुनते हैं जनता की आवाज को हम लोग सुनते हैं साथ ही में साथ ही में आपको पता होगा कि यार एक नई सीरीज आज शाम को पांच बजे शुरू हो रही है ठीक है एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है पीवाई क्यूज मैराथन जिसमें हम एवरी डे किसी एक ना एक साल का जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि किस साल का है इट इज गोइंग टू बी ए सरप्राइज फॉर यू किसी एक ना एक साल का अपन लोग पीवा क्यू डिस्कस करने वाले हैं यानी कि पूरा पेपर डिस्कस करेंगे 2019 का भी हो सकता है 2020 का भी हो सकता है 22 का भी हो सकता है 18 का भी हो सकता है कोई भी हो सकता है जिसका लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर चैट बॉक्स में कितने बजे होगा कितने बजे होगा बेटा पांच बजे होगा शाम को एवरी डे अगले पांच दिन ये क्लास चलेगी ताकि आप पी वाई क्यू बिल्कुल महारत ही बन जाए तो अगर आपने उस क्लास में एनरोल नहीं किया है तो अभी अभी जाइए और उस क्लास में जाकर एनरोल कर लीजिए ठीक है बेटा चलिए हाँ जी यस मिस्टर अनकॉन्शियस माइंड अब आप यहां से अनकॉन्शियस नहीं अब आप यहां से इनकॉन्सपिक्वस होने वाले हैं एक सेकेंड में

आज का एम ये रहेगा कि मॉर्फोलॉजी पढ़ने मॉर्फोलॉजी क्या होती है मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द आउटर पार्ट बाहर से आप कैसे दिखते हैं और यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही यहां पर पौधों की बात हो रही है एक प्लांट के अंदर बाहर से बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है वीसी स्टेम वी सी लीव्स वी सी फ्रूट्स वी सी फ्लावर्स और अगर अंडरग्राउंड देखेंगे तो अपने रूट भी देखते हैं तो ये जितने भी प्लांट के पार्ट हैं पार्ट्स हैं रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है ये बाहर से क्या क्या चीजें हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन है क्या क्या रीजन है क्या क्या एग्जाम्पल हैं है, ये सारी चीजों की स्टडी होती है मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपेयरेंस की स्टडी अगर इंटरनली काट के देखें ट्रांसफर सेक्शन ले लॉन्गिट्यूड सेक्शन ले उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटमी ठीक है एनाटॉमी तो एनाटॉमी एक सेकंड चैप्टर है इसका और अभी हम मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस करने वाले तो आज किसके एक्सटर्नल अपीयरेंस करना है आज हमने आज का बेटा अपना एम है पहले डिस्कस करना मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट ठीक है देन अपने लोग डिस्कस करेंगे ऑफ स्टेम रूट और स्टेम आज की कक्षा में हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे तो क्लास में आ ही गए हो तो सबसे पहले अपना पीपीएफ ले आइए क्या लेके आइए पीपीएफ पेन पेपर और फोकस क्योंकि बेटा ये सारा मैं हैंड रिटन फॉर्म में कराने वाली हूं तो उसके लिए पेन भी होना चाहिए लिखोगे किस पे पेपर पे लिखोगे तो पेपर भी होना चाहिए और बेटा अगले डेढ़ घंटे के लिए नाइनटी मिनट्स के लिए मुझे आपका हंड्रेड परसेंट सीरियस फोकस भी है जितना मजाक था यार कर लिया कर लिया जो मजाक की बातें थी इधर उधर की बातें थी हमने कर ली है पिछले दो साल में तुमने भी बहुत करी है मेरे को भी साथ में लिया होगा लेकिन बेटा अब जो अगले अस्सी दिन है वो हाँ बहुत ज्यादा सीरियसनेस वाले हैं बहुत ज्यादा डेडिकेशन वाले हैं अब मजाक खत्म और सीरियस स्टडी शुरू ठीक है इस क्लास में भी और आपकी लाइफ में भी अगर सीरियसली सिलेक्शन चाहिए सिलेक्शन नहीं चाहिए तो ठीक है करते रहो जो कर रहे हो बनाओ रिलेशनशिप बातें करो गेमिंग करो स्पैमिंग करो जो करना करो लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो बिल्कुल सीरियस स्टडी है हाँ कहने को ये फ्री क्लास है कहने को यह फ्री क्लास है बट बेटा फ्री क्लास से भी फायदा बहुत चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं बहुत चुनिंदा लोग बोलते हैं ना यार नकल करने के लिए भी अकल है वैसे ही बेटा मुफ्त की चीज से बेनिफिट उठाने के लिए भी बहुत अकल लगती है तो अगर आप सच्ची में अकलमंद होंगे तो आप इस क्लास का बेनिफिट जरूर उठा के जाएंगे ओके चलिए शुरू करते हैं पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी रूट रूट जेनरली पहले मैं बता रही हूं जेनरली वो हिस्सा है जो कि Soil के नीचे की साइड पाया जाता है जनरली एक्सेप्शन भी हैं जो हम लेटर ऑन इसमें ही बात करेंगे बट जनरली देखें तो रूट क्या होती है अपनी अंडरग्राउंड पार्ट होता है क्या होता है बेटा रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है जनरली जनरली रूट को देखें तो यार नॉन ग्रीन होता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है जनरली रूट की जो नेचर अपने देखें तो कैसी होती है वो सनलाइट से दूर जाती है नीचे को जाती है ना और ग्रेविटी की तरफ जाती है जिसकी तरफ जाती है उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉजिटिवली, या फिर हम यूज़ करते हैं ऑर्थो। तो यारियोट्रॉपिक्रॉपिक मतलब ग्रेविटी पौजिटिव... ठीक है कि टूवर्ड्स ग्रेविटी यानी कि ये कैसी मूवमेंट है ये कैसी मूवमेंट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट है कैसी मूवमेंट है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे क्लास के तुरंत बाद मेरा टेलीग्राम मेरे ही नाम से है हैविटी है, है? so, के टू वर्ड जाती है और सनलाइट से उल्टा जा रही है सनलाइट तो ऊपर होती है वो नीचे की तरफ जा रही है यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिवली के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एपो सो so, एपो फोटो ट्रॉपिक है एपोफोटोट्रॉपिक यानी कि अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम फोटो फोटो क्या है सनलाइट यानी कि इसको मैं क्या बोल सकती हूँ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कैन वी से नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हाँ जी बेटा बोल सकते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक अपने लोग इसको बोल सकते हैं तो ये जनरल सी बातें हैं रूट के बारे में कि जनरली अंडरग्राउंड होगी जनरली नॉन ग्रीन होगी और जनरली मोस्टली ये क्या होगा ग्रेविटी के थ्रू टूवर्ड्स और सनलाइट से अवे जाएगी अब बात आती है कि यार ये रूट्स कितने तरीके की होती है टाइप्स ऑफ रूट्स यस टाइप्स ऑफ रूट्स ठीक है कर लें टाइप्स ऑफ रूट्स तो यार तीन तरीके के अपने रूट्स यहां पर डिस्कस करेंगे हाँ जी जिसको पता है वो चार्ट सेक्शन में आंसर देने के लिए यूज कर सकता है चैट सेक्शन में आंसर देने के लिए यूज कर सकता है सो वॉट आर द टाइप्स ऑफ रूट तो पहले तरीके का रूट होगा आपका टैप रूट फर्स्ट टाइप ऑफ रूट इज गोइंग टू बी टैप रूट सेकेंड टाइप ऑफ रूट गुच्छेदार रूट जिसको अपने लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट और तीसरा रूट क्या होता है एडवेंटिशियस रूट यस एडवेंटिशियस रूट तो तीन तरीके का रूट मैंने आपको बताया फाइब्रस टैपरूट एंड एडवेंटिशियस एनसीआरटी में तीन तरीके का है बट एक्चुअल में अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो दो ही तरीके का होता है बट यहाँ तीन है तो अपने तीन की बात कर लेते हैं आपको पता है जब भी एक नया पौधा बनता है, है।, सीड। सीड है।, है? है।, है? जिससे रूट बन रही है या जिससे शूट बन रही है आप जानते हैं सीड के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट है वो क्या होता है प्लिम्यूल और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है रेडिकल तो यार जनरली आपने सुना होगा कि रूट कहां से बनती है रेडिकल से बनती है अगर रूट रेडिकल से बन रही है तो उस रूट को अपन लोग क्या बोलते हैं टैप रूट सो so, रूट विच डायरेक्टली अराइजेज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो उसको क्या बोलेंगे टैप रूट बोलेंगे फाइब्रस रूट क्या होता है फाइबर रूट होता है जो रेडिकल से नहीं बनती है फाइब्रस रूट वो है जो कि बेस ऑफ स्टेम से बनती है मान लीजिए स्टेम स्टेम है 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 ये stem है, और इसके बेस बेस पर ऐसे गुच्छेदार तुम रूट बना दो ठीक ऑफ स्टेम से बनी रेडिकल से नहीं बनी इसको अपने लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट अब एडवेंटिशियस क्या होता है एडवेंटिशियस रूट वो होता है विच डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल वो प्लांट के किसी भी हिस्से से रूट बनने वाली एक्सेप्ट फ्रॉम रेडिकल रेडिकल से नहीं बाकी किसी और हिस्से से बना दो तुम स्टेम से बनाओ तुम लीप से बनाओ कहीं से भी रूट बनाओ उस रूट को अपने लोग क्या बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट ठीक है जी तो एक बारी मैं लिख दू इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है मेरे साथ मुझे चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए आंसर्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए आंसर्स चाहिए तो टैप रूट मैंने आपको कौन सी बताई बच्चों टैप रूट बताई विच अराइजेस डायरेक्टली यस कहां से अराइज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल रेडिकल किसके पास है रेडिकल बेटा एम्ब्रियो के पास है ऑफ एम्ब्रियो ठीक है जी इसको हम बोलते हैं टैप रूट जो रेडिकल से बनती है नेक्स्ट आती है बेटा जी फाइबरस गुच्छेदार रूट यानी कि यह क्या है एक टफ्ट टफ्ट यानी कि गुच्छा किसका धागो का फाइबर्स का गुच्छा है और कहाँ से बनता है अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम बेस ऑफ स्टेम से यह गुच्छा बनता है नेक्स्ट आता है बेटा एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट जो प्लांट के किसी और हिस्से से निकले एक्सेप्ट रेडिकल सो विच अराइजेस अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट एनी पार्ट ऑफ प्लांट दिख रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या हो जाएगा रेडिकल अब सोचने वाली बात है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ही दिमागदार बच्चे ही इस बात को सोच पाएंगे दिमागदार बच्चे अब तुम देख लेना तुम दिमागदार हो या नहीं हां जी कुछ इंटेलिजेंट हाई आईक्यू वाले बच्चे ही इस चीज को सोच पाएंगे कि यार एडवेंटेशियस रूट तुम कह रहे हो कि रेडिकल के अलावा किसी भी और हिस्से से रूट बने तो वो एडवेंटिशियस है फाइबरस में तुम बोल रहे हो कि रूट बन रहे है बेस ऑफ स्टेम तो यार बेस ऑफ स्टेम भी तो रेडिकल से डिफरेंट पार्टी हुआ है ना भैया तो मतलब कहा जा सकता है कि फाइबरस रूट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट कैन बी से येस और नो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाइबरस रूट भी तो फिर एडवेंटिशियस रूट ही हुआ हुआ और क्या सेम ही बात हुई ना हाँ जी तो बिल्कुल सही है असली में देखे तो दो ही तरीके का रूट होता है एक होता है टैप रूट और एक क्या होता है एडवेंटिशियस बट एडवेंटेशनसीआर डिवाइड कर दे रही है तो हमने भी इसलिए यहां पर क्या दिया कर दिया है डिवाइड कर दिया है चलिए आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल पर टैप रूट देखिए पाई जाती है सबसे पहले जिम्नोसफॉर्म्स में जिम्नो में मैं डायग्राम भी बनाऊंगी अगले पेज पर जाकर स्टेप वाइज चलेंगे सारी चीजें डिस्कस होंगी अगेन इस चैप्टर का को कोई दायरा नहीं है कोई बाउंड्री नहीं है किसी कोचिंग के मॉड्यूल में कहां तक लिखा होगा किसी कोचिंग के मॉड्यूल में कहा एक्स्ट्रा तक लिखा होगा लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना पेपर में आना है ठीक है वही समझदारी है पीएचडी नहीं करना नीट के लिए प्रिपेयर करना है सो so, इसका एग्जाम्पल रहेगा जिम्नोस्पर्म में और अगर इंजोस्पर्म्स की बात करें तो डायकॉट्स में तो डायकॉट्स में बात करें तो

वो रेडिकल को छोड़ के किसी भी और हिस्से से रूट निकले जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर बेटा बताऊं मान लीजिए प्लांट है ये प्लांट की पत्ती है प्लांट की पत्ती से सोचो रूट निकलनी शुरू हो गई है एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस ही ही हुई ही हुई सच टाइप ऑफ रूट रूट इज कॉल्ड एज फोलियर क्या बोलते हैं बेटा इस रूट को फोलियर रूट बोलते हैं ऐसी रूट जो पत्ती से निकलती है कई बार बेटा रूट जो है ना इट अराइजेज फ्रॉम अराइजेज फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम ऑल्सो स्टेम के नोड से भी जैसे मान लीजिए स्टेम है इस पे नोड है यहां से भी रूट निकल जाती है तो वो भी एक तरीके की क्या हो गई एडवेंटिशियस रूट ही हो गई यस yes, बेटा क्लियर है एग्जाम्पल सबके अभी आने वाले समय में आने वाले हैं चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट हां जी बेटा मूविंग ऑन टू यहां पर आ जाएगा टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट हाँ जी बच्चों टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट अब मैंने बोला कि ये टैप रूट आपको कहां पर दिखाई देगी डायकॉट्स में दिखाई देगी ठीक है जी अब डाइकॉट के अंदर जो रूट है ध्यान देना के अंदर जो रूट है वो कहां से निकला आर फॉर रूट आर फॉर रेडिकल से निकला इट अराइजेज फ्रॉम रेडिकल है कि नहीं रेडिकल से निकला डायरेक्टली निकला अब यार ऐसा रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से निकलता है पहली बार ही बना और वही अपना बेस्ट रूट है

बनाएगा, बना बना लेंगे tap root system? बना के के दिखाऊंगी अभी. आता है fibrous root. Fibrous root है? है. अपना मैंने बताया दिखाई दिखाई देता देता आप बोलेंगे monocots में देता है. Monocot के पास क्या मोनोकॉट के पास बीज नहीं होता बीज के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता एम्ब्रियो तो होता है अगर उस पर एम्ब्रियो है तो यार उसके पास रेडिकल भी है तो क्या उसका रेडिकल रूट नहीं बनाता होगा बेटा उसका रैडिकल भी रूट बनाता है लेकिन वो जो रूट होती है ना उनकी जिंदगी ज़्यादा बड़ी हुई ना वो पहले बनी वो प्राइमरी वो क्या हो गई बेटा डिजनरेट हो गई इसी वजह से अब नेक्स्ट सेट ऑफ रूट आता है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम और वो बन जाएंगे आपकी रेडिकल तो होता है और ये मोनोकॉट उसका प्राइमरी रूट भी बनाता है लेकिन ये जो प्राइमरी रूट बनता है ये क्या है एफी मेरल इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है यानी कि ये कैसा है शॉर्ट लिव्ड है शॉर्ट लिव्ड है तो भैया ये क्या हो जाएगा डिजेनरेट हो जाएगा देअर फोर इस वजह से बेटा देअर फोर यहां पर जो रूट बनाए बनेगी नाउ इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम गुच्छेदार की तरह गुच्छे की तरह निकलती है टफ टफ फाइबर की तरह और इसको अपने लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट क्लासिक एग्जाम्पल वीट हां जी बात बात समझ आई भैया बात समझ आई कि डायकॉट में जो रेडिकल से रूट निकल रही है वो तो लॉन्ग लिव्ड है वो चलेगी लेकिन जो मोनोकॉट में रूट निकली रेडिकल से उसकी जिंदगी बहुत छोटी है सिंस उसकी जिंदगी इतनी छोटी है इस वजह से वो तो डिजेनरेट हो जाएगा तो अब अपने को रूट तो चाहिए उसके बिना तो पौधा जिंदा नहीं रहेगा इसी वजह से हम लोग बेस ऑफ स्टेम से क्या बना देते हैं उसका फाइब्रस रूट यस बच्चो बताओ आर आर यू विद मी टिल नाउ यू विद मी देखिए अगर आपने मेरे साथ कोई भी चैप्टर पढ़ा हुआ आपको पता है यहां से अच्छा एनसीआरटी की अंडरस्टैंडिंग और टीचर के साथ ट्यूनिंग टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होना और आपको कहीं नहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। बस आपको क्या करना है मेरा क्लास रेगुलरली अटेंड करना है डेली बेटा साढ़े बारह बजे अपना यूट्यूब होता है पांच बजे अपनी प्रैक्टिस क्लास होती है आज भी है फटाफट पड़ से एनरोल कर लेना उस क्लास में यस ठीक है एवरी वन विद मी बेटा तालाब बहुत बड़ा होता है मैं तुम्हें बताऊं तालाब जो है ना वो बहुत बड़ा होता है और एक तालाब के अंदर बहुत सारे तरीके की मछलियां भी होती हैं हाँ एक तालाब के अंदर बहुत सारे तरीके की मछलियां भी होती हैं क्या सारी मछलियां अच्छी होती हैं हाँ जी बेटा नहीं सारी मछलियां अच्छी अच्छी नहीं होती हैं लेकिन लेकिन बेटा अपने को उन बुरी मछलियों से बचकर रहना पड़ता है तो वही है कमेंट सेक्शन भी कमेंट सेक्शन है बेटा हर आदमी के पास पूरी फ्रीडम है कुछ भी यहां बोलने की या फिर कुछ भी अपशब्द निकालने की ठीक है अब मछलियां हैं बहुत सारी हैं अच्छी मछलियां अपना काम कर रही होंगी उसी तालाब में से बेनिफिट ले रही है बुरी मछलियां बेटा अपना टाइम बर्बाद कर रही है ठीक है जी हां जी क्या कह रहे हैं लिंक इज नॉट वर्किंग कौन सा लिंक नॉट वर्किंग लेट मी चेक लेट मी चेक चल तो रह पेज नॉट फाउंड रुकिए रुकिए मैं दोबारा शेयर करती हूँ हम्म हम्म पेज नॉट फाउंड आ रहा है यस करेक्ट लेट मी जस्ट पिन इट ओहो अगर तुम्हें स्पीड से चलोगे तो मैं पिन कैसे करूंगी जस्ट अ सेकेंड बेटा हाँ मैंने पिन मैसेज चेंज कर दिया है नाउ लेट मी ओपन देर इज सम लिंक का क्या आपका ओपन हो रहा है बेटा ओपन होता है फिर रुक जाता है टेल मी आ प्लीज ट्राई टू ओपन दिस लिंक बेटा इट इज पिंड इन द चैट बॉक्स इट इज पिंड इन द चैट बॉक्स हो रहा है हाँ 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 ठीक है ठीक है हाँ जी बेटा तो टैप रूट सिस्टम अपने आप अप करने वाले हैं चलिए मैं देख लूंगी लिंक के बारे में चल हो सकता है आप पे चल रहा हो हो सकता है ना चल रहा हो बेटा देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम वो मैं टीम से चेक करा के आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी अभी इस पे आ जाइए चलिए टैप रूट सिस्टम बेटा रेडिकल से बनने वाला रूट है डायकॉर्ट्स में, में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है देखिए टैप रूट मैंने बोला रेडिकल से जो निकलता है रूट उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट ये कैसा है प्राइमरी रूट है ना बच्चों ये कैसा है प्राइमरी रूट अब यार इस प्राइमरी रूट से निकलती हैं कुछ ब्रांचेस यस साइड की तरफ पे निकल रही है देस आर नॉट हेयर ये क्या है बेटा आपकी लेटरल ब्रांचेस ठीक है लेटरल ब्रांचेस अब सवाल आता है खैर हम अनाथवे में भी बात करेंगे कि जो लेटरल ओरिजिन क्या है क्या ये बाहर से से एपिडर्मिस की लेयर निकलती हैं या फिर अंदर से निकलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपकी क्लास में ही साथ साथ बताती जाऊंगी यार इनका जो ओरिजिन होता है ना वो बाहर से नहीं होता वो अंदर की पेरीसाइकल से होता है तो यार इनका ओरिजिन क्या कहलाएंगे हम एंडोजीनस ऑरिजन देखिए अगर बाहर बार से ओरिजन होता तो वो exogenous होता. लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी रूट से आपकी lateral branches निकल रही हैं, उनका ओरिजन क्या है यानी कि इनका अंदर अंदर से हो रहा है, और अंदर से 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 हो 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 रहा 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 है है? है. और ठीक है जी तो ये बात हो गई आपकी टैप रूट की देन अगर हमने बात की थी यहाँ पे फाइबर रूट की तो यार एग्जाम्पल यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए पहला मोनोकॉट में वीट जो एनसीआर देती है ग्रास एंड मॉन्स्टेरा ठीक है जी वीट ग्रास एंड मॉन्स्टेरा ओके यस एक एग्जाम्पल यहां पर आपको और मिल जाती है टैप रूट में हियर द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी बरगद का पेड़ बनियन ट्री यस yes. क्या है बनियन ट्री बनियन ट्री के पास होती तो टैप रूट है बट उसके पास एक हवा में उसको सपोर्ट देने वाली और रूट्स भी होते हैं हम मॉडिफिकेशन में डिटेल में करेंगे और रूट्स कौन सी होती है प्रॉप रूट्स भी होती है यस yes. कौन सी रूट्स होती है प्रॉप रूट्स भी होती हैं जिनको अपने एरियल रूट्स बोलते हैं जो कि एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि एक तरीके की एडवेंटिशियस है यानी कि बनियन बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पास टैप रूट तो है ही है लेकिन साथ में एक एडवेंटिशियस रूट्स भी हैं जो कि उसको सपोर्ट देती एरियल है एरियल रूट से जिनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं इन सब का डिटेल अभी इसी चैप्टर में आने वाले मिनट में होने वाला है पांच दस मिनट में होने वाला है, दस मिनट, हुने हुने है। दस मिनट ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं बता पाए बात करने लायक नहीं ये सबसे पहला फंक्शन सॉइल के अंदर जाती है तो सॉइल के अंदर होता है पानी पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करती हैं यानी कि पहला फंक्शन इसमें होगा ऑफ वाटर एंड मिनरल है ना बच्चों ये हो जाएगा आपका पहला फंक्शन दूसरा सिंस बेटा ये जो पूरा पौधा है पूरा प्लांट है वो जकड़ के आपकी ग्राउंड पर है ग्राउंड में उसको कौन होल्ड करके बैठा है कौन उसको स्टेबल रखता है दैट इज योर रूट रूट बेटा पूरे तने को जोड़कर उस सॉइल से जोड़कर रखती है यानी कि अगला जो फंक्शन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंकरेज बोलेंगे नेक्स्ट आता है क्या रूट के अंदर भी खाना स्टोर होता है तो यार इट एक्ट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मेटीरियल है ना बेटा फूड मेटीरियल को भी स्टोर करती है और बेटा प्लांट हॉर्मोन भी बनाती है यानी कि कौन सा प्लांट हॉर्मोन बनता है पीजीआरएस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज फाइटो हॉर्मोन कैन एनी वन टेल मी ये हमने प्लांट फिजियो में किया था ये हमने प्लांट फिजियो में किया था देखो हर चैप्टर लिंक है हर चैप्टर लिंक है इधर की बात उधर उधर की बात इधर है ना सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जोड़ के रखने का काम यानी कि एंकरेज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल फूड भी स्टोर करें अभी हम एग्जांपल में देखेंगे एंड फाइटो हार्मोनस को सिंथेसाइज करना यस yes, आंसर आ जाए फटाफट से देखिए आज अगर आप मेरे से ये रूट और स्टेम पढ़ के चले गए उसके बाद तुम अपनी एनसीईआरटी के वो तीन पेज पढ़ना और एक-एक डायग्राम को देखना तुम्हें लगेगा हमने एक चीज छोड़ी नहीं है हम एक्स्ट्रा पीवाई के उसके अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं और लर्न है यहां से निकले तो यार अपनी जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल है अब यार एक तुम्हें डायग्राम दिखाना इस डायग्राम के हिसाब से हमने आगे पढ़ना है अब इस डायग्राम का मैं स्क्रीन शॉट ले लू कैन आई टेक स्क्रीन शॉट यस आई कैन टेक स्क्रीन शॉट ओके मी जस्ट ट इमेज फॉर यू हां जी ये वाला डायग्राम बेटा मैं उठा के लाने वाली हूं यस yes. ले आए चलो सो एन सीआरटी का बेटा ये वाला डायग्राम आपका यहां आ चुका है दिख रहा है ओके सो टॉकिंग अबाउट द रीजन ऑफ द रूट टिप हाँ जी रूट में कौन कौन से जोन हैं जोन ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे जोन्स ऑफ रूट उससे पहले बेटा ये डायग्राम आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं ये दिख रहा है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ये कौन सा रूट है दिस रूट। देख रहे हो ये से से निकल रहा और इसकी यहां से लेटरल ब्रांचेस निकल रही है और लेटरल ब्रांचेस अगर कोई पूछे लेटरल ब्रांचेस का ओरिजन एंडो या एक्सो तुम क्या बोलोगे एंडोजीनस इनका ओरिजन है पेरिसाइकल से निकलती हैं देन फाइबर्स वाली रूट ये देखिए बेटा ये कौन सी है आपकी फाइबर रूट किसके पास होती है मोनोकॉट के पास होती है ठीक है इन सबके पास होती है Then, radical के अलावा किसी और हिस्से से निकलती हुई रूट उसको हम क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट कैन यू सी बहुत ही क्लियर डायग्राम है, है आपके एनसीआरटी में दीज आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट चलिए तो एक डायग्राम अपना डन है अगले डायग्राम के बारे में अपने लोग बात करते हैं सबसे पहले बेटा इतना समझो सॉइल कहां पर है यस बेटा सॉइल कहां पर है यार आप बोलोगे ये अपना सॉइल का सरफेस है ये अपना सॉइल का सरफेस है जितना भी ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है माल मसाला ये सब अंडरग्राउंड है ठीक है जी अब एक हिस्सा होता है प्रॉक्सिमल और एक हिस्सा क्या होता है डिस्टल मैंने आपको शोल्डर के हिसाब से प्रोक्सिमल डिस्टल समझाया हुआ है. तो अपनी एल्बो क्या होती है प्रोक्सीमल नजदीक है ना शोल्डर के और ये जो मेरी फिंगर्स है ये क्या होती हैं डिस्टल होती है सेम गोज ओवर हेयर ये बेटा सारा ये अपनी सोइल है सोइल के नजदीक वाला हिस्सा कौन सा है ये वाला ये 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 इसका क्या हो जाएगा प्रोक्सीमल और जितनी दूर पे जाते जाओगे डी फॉर दूर डी फॉर डिस्टल है ना बच्चों तो यार आपका ये वाला हिस्से को मैं यहां लिख सकती हूं प्रॉक्सिमल कैन आई राइट हां जी इसको लिख सकते हैं अपने प्रॉक्सिमल पार्ट दूर जाओ सॉइल से दूर जाओ सॉइल से दूर जाओगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका डिस्टल पार्ट ये यूज होगा इसलिए बताया ऐसे नहीं बताया चीज बेटा यूज होगी इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया है तो प्रोक्सीमल एंड डिस्टल चलिए सबसे पहले हिस्से से बात करते हैं द टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट सवाल आता है मेंशन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट ये आपकी रूट है हां जी तो बंदा कहता है द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट इज रूट एपिकल मेरिस्टम राम राम श्याम पढ़ा था ना राम क्या ये आंसर ठीक है क्या ये आंसर ठीक है टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट इज राम आंसर इज Absolutely wrong. ये आंसर क्या है है. बेटा आपका गलत जो के ऊपर कवरिंग डली हुई है ना उसको अपने लोग बोलते हैं रूट कैप रूट कैप इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रूट नॉट राम ठीक है root cap. Root cap root, तो अपने सबसे पहले रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे फिर अपने टर्मिनल पार्ट के बारे में राम के बारे में पढ़ेंगे फिर जोन ऑफ इलांगेशन पढ़ेंगे और फिर जोन ऑफ मेचुरेशन इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर आपको याद हो हमने प्लांट फिजियो के भी एक चैप्टर में किया था है ना बेटा प्लांट फिजियो के भी एक चैप्टर में किया था तो इसको उठा के रख देते हैं साइड पे आ जाइए तो सबसे पहला हिस्सा जो हम पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम में से दैट इज गोइंग टू बी रूट कैप रूट कैप को क्या बोला जाता है कैलेप्ट्रा यस क्या बोलते हैं कैलेप्ट्रा ठीक है जी अब ये रूट कैप क्या है देखिए इसका नाम कैलेप्ट्रा इसीलिए क्योंकि ये कैलेप्ट्रोजन से बनती है इट अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इट अराइजेस फ्रॉम कैलेप्ट्रोजन 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 क्या है डरमैटोजन एक टाइप का डरमेटोजन है डरमेटोजन यानी कि ऐसा मेरिस्टमैटिक सेल्स जो एपिडर्मिस बनाते हैं तो वही मेरिस्टमैटिक सेल्स जो एपिडर्मिस बनाते हैं वही लोग आकर इसका रूट कैप बनाएंगे पहली चीज देखिए इट इज अ कवरिंग ऑफ ये एक ढक्कन है किसका पैरनकाइमेटस सेल का ढक्कन है किसके पैर सेल का किसको ढकता है राम को ठीक है किसको ढकता है राम को अराउंड रूट एपिकल मेरिस्टम इस ढक्कन के पास बहुत सारे भर भर के क्या प्रेजेंट है गोल्जी बॉडीज हैं भैया गोल्जी बॉडीज क्या काम करती हैं आप बोलोगे इन गोल्जी बॉडीज से निकलता है म्यूसिलेज

रूट कैप है इसका काम क्या हो जाएगा सिंगल काम है टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट राम रूट एपिकल मेरिस्टम को करना इसका काम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था दिस रूट कैप इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट इज रूट कैप नॉट राम नॉट राम जनरली रूट कैप सब में होता है एक में नहीं होता एक टाइप के प्लांट्स में नहीं होता सो इट इज एबसेंट इन क्या कोई आइडिया लगा सकता है किसमें एबसेंट है हाइड्रोफाइड यानी कि जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं उनको इसकी जरूरत नहीं होती है इट इज एबसेंट इन देम इसकी जगह उनके पास क्या होता है इसकी जगह बेटा उनके पास होता है ऐसा पेरन कायमा जिसमें स्पेसिस है एरन कायमा जिसको बोलते हैं जो उनको बायसी प्रोवाइड करता है हां जी बेटा पहला हिस्सा डन ये बेटा हमने अभी क्या किया रूट कैप की प्रॉपर्टीज की ठीक है Yes. हां जी उनके पास रूट पैकेट्स होते हैं जिसमें एरन कायमा है और एरन कायमा उनको प्रोवाइड करता है चलिए तो पहला हिस्सा हमारा हो गया जो कि कवरिंग है राम की अब जरा राम के बारे में बात कर लेते हैं ये रहा रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी रूट एपिकल मेरिस्टम वन बाय वन हर हिस्सा करेंगे हर पोर्शन कवर करेंगे तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा राम दैट इज रूट एपिकल मैरिस्टम मेरे साथ साथ लिखते जाओ मेरे साथ साथ याद करते जाइए रूट एपिकल जी बेटा ये रूट कैप से थोड़ा ऊपर है थोड़ा ऊपर है कितना ऊपर है सेंटीमीटर में ऊपर है मिलीमीटर में ऊपर है मीटरों में ऊपर है यस इट इज फ्यू मिलीमीटर अब रूट कैप सेंटीमीटर नहीं लिख के आना यस इट इज फ्यू ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेटा उन्होंने ना स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है छोटी छोटी चीजों को स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है इट इज फ्यू मिलीमीटर्स अबव रूट कैप नॉट सेंटीमीटर ठीक है रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर ही प्रस्तुत है नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ के सेल सेलिस्टमैटिक सेल्स है यानी कि यहाँ के सेल का, का काम क्या है डिविजन 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 पतले से सेल होते हैं हमने पहले बात की हुई है फिजियो में थिन वॉल्ड होंगे डेंस साइटोप्लाजम होगा डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा ओके okay जी तो ये बात हो गई रूट एपिकल मैरिस्टम की आगे अगला हिस्सा कहाँ गया डायग्राम ये रहा अपना डायग्राम हां जी राम की बात हो गई ये रहा राम राम से आगे आता है तीसरा जोन एंड दिस जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है बेटा ये यस yes, क्या है ये जोन ऑफ इलोंगेशन हमने जोन ऑफ इलांगेशन में क्या किया था कि जो सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे क्या वो डिवाइड करते हैं नहीं फिर वो क्या करते हैं वो स्ट्रेच करते हैं वो लंबे होते जाते हैं इलांगेट होते हैं इसी की वजह से तो जो लेंथ है रूट की वो बढ़ेगी रूट की लेंथ क्यों बढ़ेगी क्योंकि यहाँ के सेल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगे और अपने साइज को इंक्रीज करेंगे अच्छा अब आपसे अगर पूछा जाए आपसे अगर पूछा जाए ये हिस्सा ये हिस्सा जोन ऑफ इलांगेशन राम के कंपैरिजन में प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है प्लीज गिव मी आंसर इन द पोल यस ये हिस्सा राम के कंपैरिजन में प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है चलो बताओ एक मिनट में पोल जनरेट कर रही हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा मैंने प्रॉक्सिमल डिस्टल की कहानी इसीलिए बताई थी ताकि तुम ये आंसर दे पाओ प्रोक्सिमल और डिस्टल की कहानी बताई इसीलिए थी सो जोन ऑफ एलोंगेशन इज प्रोक्सिमल टू राम और इज इट डिस्टल टू राम हां जी बेटा बताओ प्रोक्सिमल नजदीक होता है डिस्टल दूर होता है और यहां लिखा ही हुआ है यहां डायग्राम में प्रोक्सिमल डिस्टल सब सामने है सब सामने है जोन ऑफ एलॉन्गेशन इज प्रोक्सिमल टू राम और डिस्टल टू राम ऊपर जाते जाओगे तो प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल है ग्राउंड के रिलेटिव हम देख रहे हैं सॉइल के रिलेटिव और नीचे जाते जाओगे तो डिस्टल है यार जोन ऑफ इलॉन्गेशन राम के हिसाब से देखिए तो प्रॉक्सिमल की दिशा में जा रहा है ना सो इट इज प्रॉक्सिमल टू राम है कि नहीं कि राम इधर है जोन ऑफ इलॉन्गेशन इधर है तो यार ये राम प्रॉक्सिमिलिटी की तरफ जाता जा रहा है सो इट इज प्रॉक्सिमल टू राम हां जी चलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन पे थर्ड इज

Yes or और नो कैन यू चेंज आंसर जी, यू कान चेंज और यू कैन चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल से या आप आंसर एक ही बार दे सकते हो अच्छा नहीं चेंज कर सकते अच्छा मतलब आधे बच्चों ने आधे बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट ही तब किया जब मैं आंसर बता चुकी थी हाँ तभी जोन ऑफ बिलोंगेशन जो है दिस इज प्रोक्सीमल टू राम सेकंड चीज बेटा जो सेल्स है

दिस जोन ऑफ मेच्यूरेशन इज ऑल्सो प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलाशन हां तो यारोक्सिमल तो प्रोक्सीमल ऑफ मैच इज प्रोक्सिमल टू दोन ऑफ इलाशन है ना भाई चलो आखिरी हिस्से पे चलते आखिरी हिस्से पे चलते एंड दैट इज गोइंग टू बच्चो फोर्थ पार्ट दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन अब मैं इसके बारे में लिख रही हूं कि ये इलोंगेशन के हिसाब से प्रॉक्सिमल है तो इट इज प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलाशन पहली लाइन बताते जाना ठीक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है यहां के सेल्स क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं मेच्योर का मतलब ही क्या है डिफ्रेंशिएट कर जाना और बेटा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना जो भी फंक्शन वो करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन यहां से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए बेटा सिर्फ और सिर्फ यही जोन है जिसके पास क्या होंगे? रूट only only ना नीचे रूट कैप के पास था ना राम के पास था ना इलागेशन वाले के पास था सिर्फ और सिर्फ मेचुरेशन वाला जोन है जिसके पास क्या प्रेजेंट है रूट कैप रूट हेयर अभी जो रूट हेयर है बहुत बड़ी सवाल आता है ये यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेलर है हाँ जी बच्चो यूनिसेलर है या मल्टी सेल क्लास में भी जो मैं स्कॉल बैच होता था जो एन के लिए मैं प्रिपेयर कराती थी उसमें मैंने कराया हुआ है रूट हेयर जो है ये हमेशा और हमेशा बेटा क्या होंगे यूनिसेल्युलर होंगे क्या होंगे यूनिसेल्युलर होंगे इनका ओरिजिन कैसा होगा क्या बाहर से निकलते हैं या अंदर से तो याद कर लो इनका ओरिजन है एक्सोजीनस एपिडर्मिस से निकलते हैं एपिडर्मिस तो रूट हैर, सिर्फ मेचुरेशन वाले के पास है ओरिजिन कैसा है एक्सोजीनस एंड बेटा यूनिसेलर ऑलवेज 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 यूनिसेलुलर होंगे नेवर मल्टी ठीक है जी चलिए सो ये बात होगी मोटी मोटी अपनी रूट के बारे में क्या क्या इसमें जो प्रेजेंट है यानी कि ये जो अपना डायग्राम है एनसीआर का ये डायग्राम रीजन ऑफ रूट वी हैड अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है ऑफ रूट आई होप इट इज नाउ क्लियर ये पैराग्राफ बेटा अभी तक हमने इस पैराग्राफ को स्टडी कर लिया है अब इससे अगले टॉपिक पे जाते हैं दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट चले चलेवरी वन इज विद मी दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आप देखेंगे हम एनसीआर को साथ साथ लेके चल रहे हैं एक एक जो ऑर्डर आपकी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है उसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में डिफिकल्टी ना आए कोई भी डिफिकल्टी ना आए तो यार मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी कि जो उसका असली काम है अगर वो उस असली काम के अलावा कोई और काम भी करने लग जाए यानी कि वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना उसका असली काम है मान लो रूट मॉडिफाई होके एक्सचेंज करने करने लग जाए, करने लग जाए जाए स्टोरेज ऑफ ऑफ फूड दैट इज मॉडिफिकेशन रूट यानी कि अपने असली काम को छोड़कर वो कुछ और काम भी करने लग जाए तो हम बोलेंगे कि भैया ये रूट क्या है मॉडिफाइड रूट है जैसे बच्चे नहीं होते बेटा बच्चे नहीं होते तुम्हारे उम्र के बच्चे पढ़ाई करनी थी करनी क्या थी सिर्फ पढ़ाई करनी थी लेकिन पढ़ाई करना करियर बनाने के अलावा कुछ और शुरू कर दिया मॉडिफाई हो चुके हो तुम ठीक है मॉडिफाई हो हो चुके हो। आजकल तो अपने कार को कितना मॉडिफाई कराते हैं ये आजकल जो महिंद्रा की जीप आती है, तो वैसे ही भैया आपकी रूट्स को भी अपने क्या कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं तो किस काम के लिए भैया इसको मॉडिफाई करें ये डिपेंड करता है कि प्लांट को क्या चाहिए उस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है क्या वो दलदल में बैठा है वो प्लांट या वो प्लांट बड़ा चौड़ा सा प्लांट है क्या काम है उस हिसाब से अपन लोग रूट को मॉडिफाई करेंगे तो दो काम के लिए रूट को मॉडिफाई किया जा सकता है मॉडिफाई होके यार या तो रूट किसका काम करने लग जाए स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है स्टोरेज के लिए अगर रूट मॉडिफाई हो जाए एक तो ये रीजन होता है और बेटा रूट किस लिए मॉडिफाई होती है फॉर गैशियस एक्सचेंज एक्सचेंज तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से रूट अपनी मॉडिफाई होती है या तो खाना स्टोर करना पड़ जाए या फिर बेटा अपना क्या हो जाए एक्सचेंज करना अगर बात करें स्टोरेज की तो यार इसमें कौन कौन एग्जांपल्स आपको याद रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट जी मूली खाई है मूली खाई है मूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं राडिश आजकल बेटा गाजर बड़ा चल रहा है गाजर दैट इज कैरेट है ना इतनी इंग्लिश मेरे ख्याल से आती है शलगम शलगम दैट इज टर्न है ना टर्नप एंड बेटा चकुंदर चकुंदर यानी कि बीट रूट तो यार जो तुम मूली खा रहे हो जो तुम गाजर खा रहे हो शलगम खा रहे हो वो उसका रूट ही खा रहे हो जो कि मॉडिफाई हो चुका है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड तभी तो इतना मोटा सा दिखता है तभी तो इतना मोटा सा दिखता है एग्जांपल्स में ही खेल है और कोई बच्चा कोई बच्चा मुझे नहीं बोलेगा कि इन सब का न्यूमोनिक बना दो सबका न्यूमोनिक बनाना अपने आप में सबसे फुलिश सबसे स्टूपिड डिसीजन है हर चीज का निमोनिक बनाने से आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे आप न्यूमोनिक याद करने में इतना स्ट्रेस आ जाएगा कि ये तो दूर की बात है जिस जिस का न्यूमोनिक चाहिए जैसे अपने बात करेंगे जब

ठीक है जो बड़ा मार्शी एरिया में पाया जाता है दैट इज राइजोफोरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्या है पौधे का नाम प्लांट का नाम है राइजोफोरा ये प्लांट एक मैंग्रूव प्लांट है मैंग्रूव प्लांट होने का मतलब है कि ये बहुत यू नो स्वम्पी मार्शी से एरिया में पाया जाता है स्वम्पी एरिया में पाया जाता है मार्शी लैंड में पाया जाता है जहां का पानी बड़ा नमक वाला है सॉल्टी पानी है नमकीनी पानी है यानी कि ये प्लांट क्या है हैलोफाइट है याद आया इकोलॉजी में लिखा था कि यार जो सॉल्ट कंटेंट को टॉलरेट कर लेते हैं हेलोफाइट है ये क्या है हेलोफाइट नमकीनी पानी में पाया जाता है अब यार मैं तुम्हें तो इनका सीन बताऊं मान लो तुम एक राइजोफोरा हो तुम नमकीनी पानी में बैठे हो तो तुम्हारी रूट्स के ऊपर हमेशा क्या रहेगा पानी पानी रहेगा तो यार इसके रूट्स को प्लांट को ऐसा फील होता है कि यार मैं सफोकेटेड सा हूं इसको जो रूट्स है वो क्या करती है? नीचे पानी के अंदर, पानी के के अंदर अंदर ना सफोकेट करती है सो द रूट्स द रूटरल ब्रांच ऑफ द रूट इट कम्स आउट बाहर आ जाता है जैसे मान लीजिए बेटा ये पौधा है बता दो ये बेटा ऊपर उसका स्टेम है और ये उसकी रूट है ठीक है ये रूट है रूट से निकली एक लेटरल ब्रांच ये देखिए रूट से निकली एक लेटरल ब्रांच और बेटा ग्राउंड से बाहर आ गए, से आ गए, से आ से से ऊपर ऊपर पानी इसके पास क्या लोग बोलते हैं है बेटा इन पोर्स को न्यू मेटोफोर्स बोलते हैं यहां से क्या होता है? तो यार इसको थोड़ा सा ना होता है तो इसकी रूट की लेटरल ना बाहर की तरफ आ जाती है बाहर की तरफ आ जाती है और उसपे कुछ छेद होते है उन छेद को अपने लोग क्या बोलते हैं पोर्स दैट इज न्यूमेटोफोर्स जहां से क्या होता है रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो यार न्यूमेटोफोर्स में पाए जाते हैं राइजोफोरा में पाए जाते हैं ये जो एग्जाम्पलों में चल रहे हैं ना गलत एग्जाम्पल बता रहे हैं सो इट हैज गॉट न्यूमेटोफोर्स न्यूमेटोफोर्स ठीक है क्योंकि जो इसकी लेट्रल रूट है ध्यान देना भैया ये क्या है इसकी लेट्रल रूट है ये जो लेटरल रूट है ये कैसी बन जाती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती है कैसी हो जाती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रेविटी से उल्टी भागना शुरू हो जाती है ग्रेविटी से उल्टा भागेगी तो ऊपर ही जाएगी है ना ऊपर ही जाएगी और इसको अपने लोग क्या बोलते हैं न्यू मेटोफोर्ज बोलते हैं क्योंकि वो सॉइल से बाहर आ जाती है और ये जो काम कर रही है वो क्या काम कर रही है रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रही है हां जी बेटा ये चैप्टर हो गया जो आगे भाग रहे चैप्टर खत्म हो गया रूट खत्म करा दिया मैंने करी है, ये हमने करी है रूट की, अभी बाकी तो है, की बची हुई है आप ऐसा क्यों सोच रहे कि चैप्टर खत्म हो गया है ये करा दो ये करा दो रुको के बेटा पेशेंस के बिना जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिला है, है ना ये जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट की है कई बार एग्जाम्पल सिर्फ मॉडिफिकेशन पे नहीं आता इस पे आ जाता है कि टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट 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 है रूट है 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 या एडवेंटिशियस ठीक तो अभी हमने टैप की मॉडिफिकेशन करी जिसमें क्या आया मूली गाजर आया और क्या आया राइजोफोर आया अब अपने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं धैर्य रखो बच्चों क्या रखना है धैर्य कोई बच्चा तो नहीं है इस नाम का अब अपने करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ of... ये जो बच्चे स्वीट पटेटो के साथ घूम रहे थे ना बस मैं उन्हीं बच्चों को ढूंढ रही थी कि स्टोरेज में आपने शक्कर गंदी ने लिखा शक्कर गंदी ने लिखा भैया शक्कर के पास रूट होती नहीं है क्यों लिखू मैं है ना क्यों लिखू सो so, अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट भैया ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट हिलते हैं ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो हिलते हैं तो हिलाना नहीं है बिल्कुल सुधारना है कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट में कुछ रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड यहां पे अब बेटा लेके आओ उबली हुई शक्करगंदी दैट इज स्वीट पोटेटो मीठा आलू स्वीट पटेटो कैसा प्लांट है डायकॉट प्लांट है तो शक्करगंदी में जो तुम खा रहे हो वो क्या खा रहे हो उसका मॉडिफाइड रूट खा रहे हो क्या खा रहे हो मॉडिफाइड रूट खा रहे हो ठीक है एडवेंटिशियस रूट में दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका आता है दैट इज फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम बात करेंगे यहां पर बनियन ट्री की बरगद के पेड़ की बात कर लें अब यार बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा पेड़ होता है तो ये मान लीजिए बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है हाँ जी अब यार एक तो इसके पास टैप रूट है ही है ठीक है बरगद के पेड़ के पास टैप तो है ही है स्टार्टिंग में भी बात की थी इसकी अब होता क्या है बेटा इसमें से निकल रही एरियल ब्रांचेस यस हवा में इसकी एरियल ब्रांचेस स्टेम की है बेटा ये क्या है इसकी स्टेम में से निकली एरियल ब्रांच इन एरियल ब्रांचेस में से क्या निकलने आ जाती हैं बेटा इस तरीके की हैंगिंग रूट्स जिनको अपने लोग बोलते हैं प्रॉप रूट्स क्या बोलते हैं प्रॉप रूट्स या फिर पिलर की तरह दिख रही हैं लंबी लंबी पिलर रूट्स पिलर रूट्स ठीक है तो बरगद के पेड़ में उसकी स्टेम की एरियल ब्रांच में से निकलने वाली पिलर की तरह लंबी लंबी जो डराती है. है ना इसी में से भूत निकल के आता है भूतनिया निकल के आती हैं तो यार इनको क्या बोलते हैं एडवेंटीशियस रूट है एडवेंटिशियस वो होता है जो रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से निकले तो स्टेम से निकल रहा है है ना तो ये रूट कैसा है एडवेंटिशियस रूट है लिख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट है क्योंकि रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से निकल रहा है काम क्या क्यों इतना लंब लंबा लंबा मूवी बनाने के लिए है कि यहां से भूतनी निकल के आएगी नहीं बेटा मूवी बनाने के लिए नहीं है ये इस बड़े बरगद के पेड़ को स्ट्रेंथ देने के लिए मकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए और सपोर्ट के लिए है ठीक है सो वॉट इज द फंक्शन फंक्शन ऑफ सच प्रॉपरूट तो आप बोलेंगे कि इसका फंक्शन पता क्या है मकेनिकल स्ट्रेंथ मकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है ओके okay? भूतनी को के लिए पर्दा नहीं बनाया है कि यहां से भूत आएगा नहीं आएगा ठीक है

जो सबसे नीचे वाला नोड है ना इस नोड से निकलती है लोअर मोस्ट नोड से निकली हुई रूट्स ये देखो ये लोअर मोस्ट नोड है उससे निकली हुई रूट रूट्स आर कॉल्ड एज स्टिल वो रूट है विच अराइज फ्रॉम अराइज फ्रॉम लोअर मोस्ट नोड लोअर मोस्ट नोड ऑफ स्टेम अब स्टेम के नोड से निकल रही है तो एडवेंटिशियस ही हुई इसका काम क्या ये पहले मैं आपको बताती हूँ क्या आपने गन्ना खाया यस yes. पहले मुझे एग्जाम वो बताइए गन्ना किसने खाया मुझे हैंड रेस चाहिए कहां पर चैट बॉक्स में गन्ना किसने खाया है ओके बेटा गन्ना खाया है गन्ना खाया है तो यार आपको पता होगा कि जो गन्ना है उसको ना हम ऐसे भी खा लेते हैं Uh, you know, गांव में अगर कोई रहता है तो डायरेक्टली uh, आप अपने टूथ से भी काट के उसको खा सकते हैं तो आप देखते होंगे गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा ही खाते हैं जो नीचे बिल्कुल नीचे नीचे वाला वो छोड़ देता है क्योंकि उसपे सा निकल रहा होता है वट इज दैट भूसा सा दैट इज गोइंग टू बी स्टिल रूट अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या अब है अभी मोनोकॉट है मोनोकॉट तुमको पता है लंबाई में ज्यादा होते हैं चौड़ाई में नहीं होते हैं इतने तो यार लंबे से अगर प्लांट है लंबा प्लांट है तो इसको सपोर्ट की जरूरत होती है जैसे साइकिल नहीं होता आप जानते हैं जब आप छोटे थे आपके पेरेंट्स ने आपको लेके दिया था दो टायरों वाला साइकिल एक छोटा बच्चा तो तीन टायरों वाला भी चलाता है जो बैठ के चलाता है फिर आपको मिला था बाइसाइकल दो टायरों वाला उन दो टायरों पे भी आप या, आपको याद है स्पोर्ट्स लगवा देते थे स्पोर्ट्स वाले व्हील लगवाते थे मुझे याद है बेटा कि दो एक्स्ट्रा व्हील लगवाते थे साइडों में और फिर आप थोड़ा टाइम उस पे सीखते थे फिर आपके पापा क्या करते थे एक व्हील उतार देते थे फिर आप उस एक व्हील के सहारे बैलेंस करना सीखते थे और फिर बेटा वो एक्स्ट्रा वाला भी निकाल देते तो, तो वो फिर से बाइसाइकल बन जाता था तो वही हालत है गन्ने की गन्ना में क्या है बेचारा ऐसे खड़ा मेज भी ऐसे खड़ा है फिर इसको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए अपने ने ना वो एक्स्ट्रा टायर लगा दिए हैं वो टायर क्या है आपके स्टिल्ड रूट्स हैं याद रहेगा क्यों क्योंकि रेडिकल से नहीं बनी है ये तो आपके लोअर मोस्ट नोट से बनी है ठीक so okay है सो दिस इज कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट ओके जी चलिए तीन मॉडिफिकेशन अभी अपन ने की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यार मॉडिफिकेशन में से डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आएगा डायरेक्ट तो इसको इमेजिन करो मेरे साथ साथ और लिखते जाइए जी फोर्थ वन इज हॉस्टोरियल रूट्स ये इकोलॉजी में भी बात की थी ऑस्टोरियल रूट्स यानी कि पैरासिटिक रूट्स। ऑस्टोरियल रूट्स जिनको अपने लोग क्या बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स बोलते हैं ये किस में पाई जाएंगी जो प्लांट एक होस्ट ऊपर पैरासाइट है तो पैरासिटिक प्लांट हां जी एग्जाम्पल याद है इकोलॉजी का तो टेस्ट भी दे दिया अब तुमने यस हेयर द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कस्क्यूटा कस्क्यूटा ये कस्क्यूटा क्या है एक टोटल पैरासाइट है पूरा पूरा डिपेंडेंट है खुद कोई काम नहीं करता यार ये होलो पैरासाइट है टोटल पैरासाइट है, है तो उसके डायरेक्ट खाना ले रहा है खुद कुछ नहीं कर रहा एरियल पार्ट से रूट निकाली और धसा दी होस्ट के अंदर होस्ट के से खाना खाता जा रहा है और अपना काम निकालता जा रहा है तो कस्क्यूटा एग्जाम्पल इज विस्कम ठीक है एंड ओरोबैंक तो ये आपके एग्जाम्पल होगी हॉस्टोरियल रूट्स की क्या करेंगे रूट काम क्या है होस्ट से नरिशमेंट लेना डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट ठीक है ये काम हो गया इनका नेक्स्ट आता है पांचवी नंबर मॉडिफिकेशन का जिसको हम बोलते हैं एपिफाइटिक या फिर हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इग्रोस्कोपिक रूट सारे नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम पर सीप पाउजा बायोलॉजी के नाम से है टेलीग्राम समझ आ रहा है नोट करते जा रहे हो मजा आ रहा है यार सेशन को लाइक भी करना ओके हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इसको एपी रूट्स भी बोलते हैं एपी रूट्स हाँ जी बेटा किस में पाई जाएंगी ये पाई जाती है बेटा ऑर्किड्स में ऑर्किड्स का कहानी पता होगा तुमको इकोलॉजी में बताया था ऑर्किड क्या है मैंगो के ऊपर बैठे रहते हैं याद है मैंगो के ऊपर बैठे रहते हैं कैसा रिलेशनशिप था ऑर्किड और मैंगो का यस ऑर्किड क्या है ऑर्किड मैंगो कहते हैं मैंगो जी मुझे सिर्फ क्या चाहिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ मैं तुमसे कोई दौलत शहरत कुछ नहीं चाहता हूं मैं तुमसे सिर्फ एक तुम्हारे घर में किनारा चाहता हूं मुझे जगह दे दो रहने की मैं एक कोने में पड़ा रहूंगा मुझे सिर्फ जगह दे दो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा नहीं बस मुझे रहने के लिए जगह चाहिए प्यारे जो ऑर्किड है इसको मैंगो से सिर्फ प्लांट से सिर्फ प्लांट के ऊपर रहता है सिर्फ स्पेस लेता है उसका नरिशमेंट नहीं लेता सारा काम खुद करता है सारा काम खुद करता है तो यार ये पता क्या है ये एक स्पेस पैरासाइट है ये एक स्पेस पैरासाइट है ठीक है बच्चों ये क्या है एक स्पेस पैरासाइट है यानी कि इट ओनली नीड्स स्पेस फ्रॉम द होस्ट प्लांट ओनली नीड स्पेस स्पेस फ्रॉम होस्ट प्लांट बताना जरा कौन सा रिलेशनशिप है क्या पूछा है मैंने कौन सा रिलेशनशिप है हां जी बिल्कुल सही है रिलेशनशिप कौन सा है कमेंट मैंगो कहते हैं कि मुझे मुझे परेशान नहीं करना तुझे मेरे ऊपर बैठना है तो बैठा रहे लेकिन मेरे को दुख दर्द नहीं होना चाहिए मेरी चोरी नहीं होनी चाहिए मेरे घर में मेरी संपत्ति को कुछ नहीं होना चाहिए तो ऑर्किड भी कहते हैं ठीक है ऑर्किड का फायदा मैंगो को कोई फर्क मैंगो का महल है बेटा मैंगो का महल है उस महल में से अगर एक कोना ऑर्किड को दे दिया क्या मैंगो का कोई नुकसान हुआ नहीं ये तो ऐसे हो गया कि इतना बड़ा समुद्र है समुद्र में से एक बाल्टी पानी उसको दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को तो मैंगो को ना फायदा है ना नुकसान है उधर ऑर्किड अपना क्या ले लेता है फायदा ले लेता है ठीक है अब यार इसके पास जो रूट्स है हम बात किसकी कर रहे हैं रूट्स की अब ऑर्किड ने एक होस्ट के ऊपर बैठना एक्टिव इसके पास प्लांट है ये और वही रूट्स है। इसकी रूट्स इसकी जो है ना वो हवा से मॉइस्चर कर सकती है तो फंक्शन क्या है इनका देखो मॉडिफिकेशन में तो हम यही कह रहे थे कि ये कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाएंगी तो यहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर दे ऑब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर क्यों क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टिश्यू है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल टिश्यू है जिसको अपने लोग बोलते हैं वेलामैन क्या बोलते हैं बेटा वेला दिख रहा है तो यार ऑर्किड के पास ऐसी रूट्स हैं जो हवा से मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेंगी बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू विच इज कॉल्ड एज वाला हां जी बच्चों क्लियर है कितनी मॉडिफिकेशन किए चार करिए अभी कितनी करिए चार दो और है. बेटा आपको पता है रूट फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है क्या कर सकती है फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है तो मूविंग ऑन टू मॉडिफिकेशन नंबर फिफ्थ दैट इज फोटोसिंथेटिक रूट फोटोसिंथेटिक रूट जिसको अपने एसिमिलेटरी रूट बोलते हैं कोई एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे बेटा जो क्वेश्चन आ सकता है उसका अपन लोग कोई एग्जांपल नहीं छोड़ेंगे एसिमिलेटरी रूट और फोटोसिंथेटिक रूट यानी कि हवा में प्रेजेंट रूट है जिनके पास क्या आ गया है क्लोरोफिल करेंगे एग्जाम्पल अभी बड़ा फेमस था रेडी पे मिलता था सिंघाड़ा है ना सिंघाड़ा याद है दैट इज ट्रेपा एंड टीनोसपोरा खाते हो बेटा उबले हुए सिंघाड़े भी मिलते हैं और आप वैसे भी छील के खा सकते हो ठीक है छील के खा सकते हो सो इट्स डिलीशियस एंड वेरी हाईली हाईली न्यूट्रिशियस है ना बेटा चलिए तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक की एग्जाम्पल देन अपने करते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स रिप्रोडक्टिव रूट्स बेटा कुछ रूट्स ऐसी भी हैं ये हमने एस आर एफ पी में भी बात की थी नहीं नहीं एस आर एफ पी में नहीं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कल परसों ही बात की है कुछ रूट्स ऐसी हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वहां से एक नया पौधा भी आ सकता है एग्जाम्पल यानी कि ये रूट्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नया पौधा बनाने के लिए सक्षम है कल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा था ना लास्ट क्लास में तो और द एग्जाम्पल बच्चों बताइए डालिया एस्पैरगस एस्पैरगस एंड स्वीट पटेटो तो स्वीट पटेटो के पास स्टोरेज का भी मामला है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है शकरगंधी बढ़िया है ना स्टोरेज वाला भी है और रिप्रोड्यूस करने वाला भी आइटम है इसके पास सो आर डन विथ रूट मॉडिफिकेशन जी बेटा रूट यहां पर समाप्त हुआ अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूं जो मैं यहां पर दिखा रही थी तो यार देख लो ये जो तुम कह नहीं रहे मैं बता नहीं रही थी कि यार भूत भूतनियों के लिए स्पेशली स्ट्रक्चर है जिसमें से निकल के रात में तुम्हें बड़ा डर लगेगा और ऐसा ही लगेगा कि इसी के पीछे एक भूत बैठा है सफेद से कपड़ों में तो यार ये जो लंबी लंबी रूट्स तुम्हें दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी ये क्या है प्रॉप रूट है. है ना सपोर्ट के लिए क्या काम करती है सपोर्ट के लिए इस बड़े से पेड़ को सपोर्ट करने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट इन द बनियन ट्री बरगद का पेड़ इसी के पीछे से भूत निकलता ओके चलिए नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर देख लो नेक्स्ट डायग्राम देखो क्या क्या दिया हुआ है एस्पेरेगस दिया हुआ है शलगम दिया हुआ है आपकी गाजर दी हुई है शकरगंदी दी हुई है और राइजोफोरा दिया हुआ है ध्यान दो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज यानी कि ये तीनों में ये क्या है स्टोरेज के लिए मॉडिफाई किया था कौन सी टाइप की रूट थी बताओ फटाफट से टैप रूट सी अगर मैं पास भी कैसी रूट थी टैप थी स्वीट पटेटो एक डायकॉट है ये एक डायकॉट है तो यार इसके पास कैसी रूट अपने ने की थी एडवेंटिशियस रूट की थी जिसमें मॉडिफिकेशन है खाना स्टोर करने का और रिप्रोडक्शन करने का भी देन बेटा एक मोनोकॉट है एक मोनोकॉट है. है, है? का है. Yes, है आपके टैप रूट वाले बंदे और इनके पास गैशियस एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट है न्यू मेटोफोर्स क्यों क्योंकि दलदली एरिया में रहते हैं तो यार इनकी रूट बाहर आ जाती है अंदर सांस नहीं ले पा रही है और बाहर आकर वो सांस लेगी हाँ जी बेटा क्लियर तो यार आपको क्वेश्चन डायग्राम देकर भी आ सकता है एंड विद विद दिस वी आर डन द फर्स्ट पार्ट फॉर टुडे दैट इज रूट रूट हमारा समाप्त हुआ क्या रूट समझ आया फटाफट से बताओ हाँ जी प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का समय तो चल रहा है याद हो गया मेरे साथ साथ याद करना था मेरे साथ साथ आपको ये सारी चीजें याद करनी थी हां जी मजा आ रहा है बेटा इसी तरीके से कल अपने लीव कर लेंगे फ्लार कर लेंगे परसों फैमिलीज के बारे में डिस्कस करके चैप्टर को कर देंगे समाप्त देन एनाटॉमी तो मजेदार सेशन होता है यहां पर तुम कुछ भी ले लो इसको कुछ भी ले लो बट मुझे पता है इफ यू हैड बिन कंसिस्टेंट विद मी आपने अगर फास्ट ट्रैक एक महीना पहले हमने डेढ़ महीना पहले शुरू किया था आप अगर पूरे फास्ट ट्रैक में कंसिस्टेंट रहे हैं और आने वाले एक डेढ़ महीना जब हम इलेवेंथ करेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे तो यार आपने ऐसी बायो ना कभी लर्न करी होगी ना बेटा आप करेंगे क्योंकि 350 से ऊपर नंबर आपको मेरे नोट्स और मेरे सेशंस मेरी एनसीआरटी की जो ग्रिप है वो आपको 350 से ऊपर नंबर लेकर जाएगी बाकी तो बेटा फिर आपकी श्रद्धा है जैसे आज रश है, है ना ये बच्चों की श्रद्धा आज पहला दिन है आज आएंगे कल अरे पुराना हो गया अब नहीं आएंगे मैम पढ़ाती रहती है क्या यार मैम मजे थोड़ा कराती है पढ़ाती रहती है ठीक है तो यार मैम तो पढ़ाएंगी क्योंकि मैम ने पिछले साल निकाले हैं बहुत अमेजिंग बच्चे रैंकर्स निकाले हैं मेरे बच्चे आज एम्स में प्रेजेंट है बच्चों एम्स पटना हो गया एम्स ऋषिकेश हो गया एम्स दिल्ली हो गया यहां पर बच्चे प्रेजेंट है और वो बच्चे यही सेशन देखकर आगे निकले तुम लोग भी अगर बेटा कंसिस्टेंट रहोगे तो बायो ही है जो तुमको एम्स का रास्ता दिखा सकती है देखो सिलेक्शन के लिए तुम बायो को हल्के में ले सकते हो है ना सिलेक्शन लेना है 600 नंबर लेने हैं साढ़े छे सौ लेने हैं 610 लेने हैं लेकिन रैंक चाहिए एमजोनियन लगाना है ना अपने नाम के आगे शौक बड़ा होता है तभी एम्स एम्स तो ये तो 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 कि टोटल सात सौ नंबर आ रहा है बायो में तीन सौ नंबर आ रहे हैं ढाई सौ नंबर आ रहे फिर नहीं सोच सकते बेटा एम्स के बारे में तो अगर एम्स की बातें करते हो तो यार

बेटा ये जो बच्चे पूछ रहे हैं मोनोकॉट और डायकॉट बता दो मेरा दिल दर्द होता है बेटा ये सब बातें सुन के बहुत दर्द होता है कि मोनोकॉट क्या है और डायकॉट क्या है एस आर एफ पे नहीं लगाया था मेरा वही बात है ना हम आधा दूरा करके आते हैं और फिर बेटा उसे छोड़ देते हैं एस आर एफ पी आपको लगाना चाहिए था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपने मतलब वो चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा तभी आप यहाँ पर आकर डाउट पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन And जाओ बेटा ये सब बच्चों को मैं एक तरीका बता रही हूँ लिंक ट्री पे जाइए मेरे पाउजा लिंक ट्री गूगल पे डालना है ठीक है गूगल पे डालना है बस कोई दिमाग नहीं लगाना इसी लिंक पे क्या कर देना है क्लिक कर देना है जैसे ही बेटा आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके समक्ष आपके समक्ष ऐसा पेज खुल जाएगा ठीक है ऐसा पेज खुल जाएगा, जाएगा राइट अब जब ऐसा पेज खुल गया तो यार उसमें तुम देखोगे कि इलेवंथ वाला भी प्रॉपर फोल्डर है 12th के चैप्टर्स का भी है और एक फोल्डर ऊपर ऊपर फास्ट ट्रैक का भी है मैं भी खोल के दिखा देती फास्ट ट्रैक का भी है हां जी मैं तुम्हें खोल के दिखा दू यार तुम भी क्या याद रखोगे कि मैम ने अपना लिंक ट्री खोल के दिखा दिया है ये देखो मैं गूगल पे जा रही हूं मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया अरे भैया पीछे क्या क्वेश्चन था इस सीपा हो गुड टीचर बेटा रिव्यू दे, दे मेरा पर सबसे पिछले साल मैंने क्रैश कोर्स लिया था वो है और एनसीआरटी वाली मेरी सीरीज है तो तुमको करना है फास्ट ट्रैक वाले पे क्लिक जैसे तुमने फास्ट ट्रैक वाले पे क्लिक किया जी बेटा इधर देखिए बहुत अमेजिंगली मैंने डिजाइन किया है क्या क्या है सारे चैप्टर हमारे जितने हो चुके हैं उसके उस पे उसका लिंक है सेशन का लिंक है ये देखिए ये सेशन के लिंक है और उनकी साथ में प्लेलिस्ट भी अपडेट होगी पीडीएफ पीडीएफ अपडेट हो चुकी है ठीक है थीके? तो सेशन का लिंक आपके सामने है हाँ इधर आ जाती हूँ और बेटा सेशन का पीडीएफ भी पी है इसको बड़ा कर दे आ, ये बड़ा नहीं हो सकता बेटा ये बड़ा नहीं हो सकता है, इधर देख लो तो सारे सेशंस अपलोड हो चुके हैं रिप्रोडक्शन इन वन शॉट तक अपना डन है यानी कि लास्ट क्लास तक हमने कर लिया है सिर्फ आज का क्लास है वो ऐड हो जाएगा तो हर दिन ये ऐड हो रहा है हर दिन आपको पीडीएफ मिल रही है हर दिन बेटा आपको लिंक मिलता जा रहा है तो जिसने मेरे पुराने सेशंस नहीं दिखे वो मेरे लिंक ट्री से जाकर देखें ये देखिए 11थ क्लास भी सारी कराई हुई है l1 l2 ट्वेल्थ क्लास देखोगे वो भी फुल कराया हुआ है एल वन एल टू तक साथ में है साथ में और अभी अपने फास्ट ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली अपडेटेड है जाइए और इसका फायदा उठाइए ठीक है बच्चों चलो अब अपने लोग कहा थे हाँ जी तो हम लोग थे रूट पर रूट हमारा डन हो गया रूट के बाद चलते हैं तने पे पौधे का तना दैट इज स्टेम जी स्टार्टिंग विद स्टेम स्टेम जनरली अगेन मैं जनरल बात कर रही हूं अगेन बेटा जनरली जो स्टेम होती है ना वो ग्राउंड के ऊपर होती है क्या होती है अब ग्राउंड क्या काम होता है बेटा इसका काम है प्लांट के मेन पार्ट्स को अपने ऊपर रखना यानी कि जो फ्रूट है वो भी इसपे लटका हुआ है जो फ्लावर है वो भी इसपे है पत्ती है वो भी इसपे है यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू बियर इज टू बियर वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट जैसे बेटा प्लांट के पास फ्रूट है स्टेम पे लगा हुआ है प्लांट के पास लीफ है स्टेम पे लगी हुई है प्लांट के पास कभी फ्लावर्स भी आएंगे वो भी स्टेम पे ही लगेंगे और इसका क्या काम है कि नीचे से जो पानी और मिनरल्स लेकर आ रहे हैं जो रूट ने पिक किया वो बेटा इस स्टेम के सहारे ही सारे पौधे में फैलेगा यानी कि कंडक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ किसका पानी का एंड मिनरल्स का वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन भी किसके द्वारा होगा आपकी स्टेम के द्वारा ही होगा अब यार इसके नेचर बता दो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में भैया जो स्टेम है वो लाइट की तरफ जाती है सूरजमुखी पौधा सूरज को ढूंढता रहता है है ना यानी कि स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड ग्रेविटी से उल्टा जा रही है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक सो टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ स्टेम बेसिक चीज नेचर की बात करेंगे तो यार ये क्या है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है पॉजिटिवली को मैंने क्या वर्ड बताया था ऑर्थो तो यार ये हो जाएगा ऑर्थो फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक और क्या बोला हमने नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है यानी कि क्या हो जाएगा ये एपोट्रॉपिक एपो क्लियर एपो क्लियर बेटा पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक लाइट की तरफ जाना है और ग्रेविटी से उल्टा जाना है पॉजिटिवली के लिए और स्टेम की अगर शक्ल देखें तो मैं एक स्टेम बना के दिखाती हूँ ये देखिए मान लीजिए ग्राउंड का सरफेस है सॉइल का सरफेस है और ये अपनी स्टेम stem है स्टेम के ऊपर जनरली बेटा इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ठीक है nodes, ये भी नोड है ये भी नोड है ये भी नोड है ठीक है जी दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों क्या बोलते हैं उसको इंटर नोड क्या बोलते हैं बच्चों उसको इंटर नोड एक तो ये मुझे तुम्हें बताना था देन बेटा इसी स्टेम के ऊपर कुछ एरियाज हैं जहां से क्या निकलते हैं बर्ड्स तो दो तरीके के बर्ड्स बेटा स्टेम के ऊपर होते हैं क्या होते हैं दो तरीके के बर्ड्स स्टेम के ऊपर होते हैं इसको मैं उठा के उधर रख देती हूँ रुकिए हाँ जी आप चलिए इधर ओके सो टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑन स्टेम तो होगा ठीक तो है. 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 है एपिकल बर्ड एपिकल बर्ड या फिर इसको बोलेंगे टर्मिनल <coughs> टर्मिनल है ना टर्मिनल बर्ड या फिर बर्ड क्या है ये देखिए ये मान लीजिए प्लांट है ये देखिए ये बेटा पत्ती है पीटीओल है और फिर वहां से पत्ती निकली ये जो पत्ती है यहां वाला डिस्टेंस है ये दिस इज कॉल्ड एज हिस्से को क्या बोलते हैं एक्सिल ऑफ लीव और इस एक्सिल के ऊपर अगर बर्ड हो फिर इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड यस <coughs> yes, इसको क्या बोलेंगे बच्चों एक्सिलरी बर्ड एक्सिलरी इज द पार्ट जहां पर पत्ती के बीच और स्टेम के बीच का जो एंगल है ये जो एंगल है दिस इज एक्सिल और यहाँ पे अगर बड प्रेजेंट होगा इसको अपने लोग बोलेंगे एक्सिलरी बड बात क्लियर हाँ जी तो दो तरीके का बड नोड और इंटर नोड भी आपको बता दिया नेक्स्ट आता है बेटा जी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम रुको हाँ जी बेटा <coughs> बोल के देखू <coughs> अब ठीक है यस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बस मॉडिफिकेशन ही है इसमें और तो कुछ है नहीं स्टेम की मॉडिफिकेशन में हम तीन तरीके की मॉडिफिकेशन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की अंडरग्राउंड देन हमने बात करेंगे सब एरियल आधा हवा में आधा अंदर सब एरियल स्टेम एंड देन वी विल टॉक अबाउट जो पूरी हवा में स्टेम है दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन ठीक है अंडरग्राउंड स्टेम सब एरियल एंड देन वील टॉक अबाउट एरियल ठीक है एरियल हाँ जी बेटा एनी वन फ्रॉम नागपुर बेटा मैं ही नागपुर से हूँ तुम मुझे ही ले लो ना हाँ सबसे क्या पूछ रहे हो सबसे क्या पूछ रहे हैं यस yes. बेटा यहाँ पे क्या रीजन uh, वाइज तुमने कम्युनिटी बनानी है कि हाँ बिहार से कौन है हम हाँ। यूपी से कौन है हम हाँ। महाराष्ट्र से कौन है हम हाँ। है ना क्लास के बीच में क्या कम्युनिटी बनाओगे क्यों खोज रहे हो क्यों खोज रहे हो भैया यस अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो ये यार वो स्टेम है जो रूट की तरह ग्राउंड के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम है यानी कि ये क्या है अंडरग्राउंड ये जो स्टेम है ये हमेशा हमेशा क्या होगी नॉन ग्रीन स्टेम नॉन ग्रीन स्टेम अब यार बड़ा अजब गजब चीज हो गई कि मैं बोल रही हूँ यहाँ ध्यान देना मैं बोल रही हूँ कि यार ये अपना ग्राउंड है इस ग्राउंड के नीचे मेरे पास रूट्स भी है अब मैं यहां पर बोल रही हूँ इसी ग्राउंड के नीचे मेरे पास स्टेम भी है तो यार वो भी नॉन ग्रीन है हरे रंग की तो है तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि यार ये चीज रूट है या ये फिर या फिर ये चीज स्टेम है कैसे डिफरेंशिएट करोगे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि यार दोनों का रंग तो ऑलमोस्ट सेम है नहीं तो हम स्टेम को डिफ्रेंशियट करते थे कि हरे रंग की होगी इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे लेकिन अगर ग्राउंड के नीचे रूट भी है ग्राउंड के नीचे स्टेम भी है उसका कैसे पता लगाओगे तो तुम यार पता लगाओगे कि एक स्टेम ही है जिसके पास क्या है नोड होंगे एक स्टेम ही है जिसके पास स्केल लीव्स होंगी एक स्टेम ही है जिसके पास इंटर नोड होंगे तो यार नोड इंटरनोड स्केल लीव्स ये स्टेम का फीचर है रूट का फीचर नहीं है इस तरीके से आप अंडरग्राउंड स्टेम और रूट के बीच में एक क्रिएट कर सकते हो रूट के पास तो नहीं हो हाँ, तो होगा ना एक चीज अपनी ये हो गई अब बात आती है कि यार स्टेम को अंडरग्राउंड कराई क्यों क्या पढ़ी थी तुम्हें क्या पड़ी थी तुम्हें स्टेम को अंडरग्राउंड करने की बाहर क्यों नहीं रहने देते क्यों इतनी मुशक्कत करके अंदर लेके गए <coughs> तो यार व्हाट इज द पर्पस र्पज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम पहला है कि मुझे ना खाने को स्टोर करके रखना था मुसीबत के समय वो खाना यूज करना है तो खाने को स्टोर करके रखना तो अंडरग्राउंड भेज दो उसको ठीक है वन इट एज वेजिटेटिव यहां से आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो अगर तुम उसे अंदर भेज दोगे तो तीसरा बेटा यहां से इट फंक्शन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन पेरिनेशन का मतलब होता है कि मान लो कल को एक ऐसी आपदा आई ऐसी आपदा आई कि ऊपर वाला सारा प्लांट गायब कोई कैलामिटी आई बुलडोजर चल गया कुछ हो गया है ना आजकल कितना बुलडोजर चल रहा है या कोई कटिंग करके ले गया कुछ हुआ ऊपर वाला सारा हिस्सा गायब तो यार जो नीचे वाला हिस्सा है है अगर उसके पास अंडरग्राउंड स्टेम है, तो वो वेजिटेटिव प्रोफोगेशन कर सकता है यानी कि मुसीबत के वक्त प्लांट को जिंदा रखने का काम अगर ऊपर वाला एरियल पार्ट हट गया है तो कौन रख सकता है अंडरग्राउंड स्टेम तो क्या पर्पज है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम का पहला स्टोरेज ऑफ फूड ये अपने आप में क्वेश्चन है बेटा दिस इज अ क्वेश्चन इन इट सेल्फ स्टोरेज ऑफ फूड सेकेंड आता है वेजिटेटिव के लिए अपने अंदर भेजते हैं वेजिटेटिव ठीक है तीसरा आपके पास क्या आता है इट फंक्शन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन पेरिनेशन का मतलब होता है कि यार अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को जिंदा रखने का काम ये अंडरग्राउंड वाला पोर्शन ही करेगा क्योंकि उसके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की क्षमता है ठीक है सो so, ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से हम स्टेम को अंडरग्राउंड भेजते हैं अब देख लेते हैं कौन कौन से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है देख लें, हो गया इतना सबका देख लें फटाफट यस yes, चलिए करते हैं टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की टाइप्स इसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा टेबल बनाऊंगी टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम तो यार टेबल बनाने के लिए रेडी हो जाओ आप लोग क्या करिए आप लोग के पास मान लीजिए ये पेज है ठीक है मान लीजिए आपकी कॉपी है इस कॉपी को आप लैंडस्केप मोड में कर लो किस में कर लो लैंडस्केप में क्योंकि ऐसे में चार इजीली पूरा नहीं आएगा तो लैंडस्केप मोड में करिए हमने चार मॉडिफिकेशन लिख ली चारों बेटा इस डब्बे में इस टेबल में हम लोग पूरी कर देंगे सो टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम मॉडिफिकेशन ओके कितने तरीके का लिखेंगे अपन लोग चार तरीके का लिखेंगे हां जी सो इट इज ऑफ फोर टाइप्स वन टू थ्री एंड फोर हां जी सबसे पहला आपका रहेगा राइजोम कौन सा रहेगा राइज़ोम देन कौन सा रहेगा कॉम देन कौन सा रहेगा ट्यूबर एंड देन कौन सा रहेगा बल्ब ठीक है तो राइज़ोम कॉम पहले तो क्वेश्चन नाम पे ही आ जाता है कि इसमें से अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है राइज़ोम कॉम ट्यूबर एंड बल्ब ठीक है जी बना लिया टेबल बना लिया मेरे साथ-साथ बनाएंगे हां जी सबसे पहले बात करते हैं राइज़ोम की राइज़ोम वो अंडरग्राउंड स्टेम है जो की जो की बेटा हॉरिजोंटली ग्रो करती है शुड आई ब्रिंग मेरे पास बेटा मेरा फोन था तो मैं आपको फोटो दिखाती नहीं तो आई गेस uh... नहीं है कोई बात नहीं हाँ जी राइजोम क्या है जो कि हॉरिजोंटली ग्रो करती है राइट सो इट ग्रोज हॉरिजोंटली याद रखना है हॉरिजोंटल समझते हो ना यस बिलो ग्राउंड ग्राउंड के नीचे हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करने वाली जो स्टेम है वो राइजोम है और अगर वर्टिकल हो जाए तो वही कॉर्न बन जाएगी वही कॉम कहलाएगी ये आपकी राइजोम है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी बनाना बनाना इट इज गोइंग टू बी टर्मरिक हल्दी हल्दी बेटा ग्राउंड के नीचे उगती है और ऐसे उगती है ठीक है फिर हम उस हल्दी को निकालते हैं और उसको पीसते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं देन क्या और बेटा अदरक जिंजर, ठीक है जिंजर ये अगर आप जिंजर देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें से रूट्स भी निकल रही हैं, ठीक है उसके ऊपर अंडरग्राउंड स्टेम है जो वर्टिकल ग्रो करती है ऐसे ऐसे लंबे में और ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी इन सब में से सबसे बड़ी अंडरग्राउंड स्टेम है सो वन इट इज अ लार्जेस्ट वन चारों में से सबसे बड़ी बेटा यही है ठीक है सबसे बड़ी ये है सेकेंड चीज आती है दैट इट ग्रोज वर्टिकली इट ग्रोज वर्टिकली वर्टिकल समझते हैं ना ऐसे वर्टिकली बिलो ग्राउंड बिलो ग्राउंड ये इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा मेंबर्स ऑफ लीली फैमिली फ्यू मेंबर्स ऑफ लीली फैमिली एग्जाम्पल एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं अरबी कोलोकेशिया कॉलोकेशिया बेटा एग्जाम्पल ही है इस चैप्टर में जो है दैट इज अरबी और क्या रहेगा क्रॉकस जिसको अपने साफरेन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका आ जाएगा Colchicum. ठीक है ठीक है अगेन फैमिली को बिलोंग करता है देन अमोरफोफेलस कल भी बताया था अमॉर्फो दैट इज जिम्मिकंद अमोरफो पूरा सही नाम लिखे नहीं, नहीं थोड़ा सा रुको अमॉर्फो फेलस ओके okay, जी सबको अंडरलाइन कर लेना साइंटिफिक नेम है राइट right? याद करो मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ याद करो सैफ्रॉन कोलोकेशिया जिमिकंद और इनके बेटा असली नाम भी याद होने चाहिए दैट इज मॉर्फोफेलस क्रॉकसिचकम ये सब कुछ कुछ ले फैमिली के कुछ दूसरे नेक्स्ट आते हैं ट्यूबर ट्यूबर क्या है ट्यूबर बेटा आलू है अपना बेसिकली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आलू आलू में पता है क्या होता है आलू का एक ऊपर पौधा है राइट right? और नीचे की साइड पर क्या जाता है नीचे की साइड पर क्या जाता है उसका अंडरग्राउंड स्टेम है जो आगे आके ना मोटा हो हो जाता है, स्वोलन हो जाता है है जैसे मान लो ये आलू है ये 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 देख लीजिए आलू का 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 ऊपर ऊपर हरा वाला पार्ट है लेट मी ड्रॉ इट बेटा पार्ट है ब्रांच है यहाँ पे ऐसे पत्ती निकल रही है अब यही हर स्टेम अंडरग्राउंड चली जाती है अंडरग्राउंड गई ठीक है इसकी लेटरल ब्रांच गई और आगे जाके ऐसे मोटी हो गई देख रहे हो अंडरग्राउंड जाने के बाद ये स्टेम क्या हो गई

मोटा हो जाता है इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं तो मैं लिख दू जी लिख दें सो द डेफिनेशन वुड बी इट इज अ अटे विच अराइजेस फ्रॉम स्वलन पार्ट ऑफ द टर्मिनल रुक जाओ सोलन पार्ट ऑफ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ किसका लेटरल ब्रांच किसकी ब्रांच है ये ऑफ अंडरग्राउंड stem, ऑफ अंडर ग्राउंड stem. अभी बेटा मैं साइड पे हटूंगी तो आपको सब दिख जाएगा आपको सब दिख जाएगा हे द एग्जाम्पल सबसे बड़ा पोटेटो पोटेटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम ट्यूबरोसम अब यार आलू के ऊपर आपने कभी देखा है कई बार आलू बड़ा पुराना हो जाता है तो उपर, उसके ऊपर उसके यू नो बर्ड्स टाइप के आ जाते हैं आपने देखा है पुराना आलू पुराना आलू होता है बेटा उसके ऊपर ना ऐसे बर्ड्स बर्ड दिखाई देंगे ऐसा लग रहा है नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा तो यार यहाँ पर क्या होते हैं नोड्स होंगे स्टेम है तो नोड्स होंगे नोड्स हैं तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं तो जो पुराने आलू में तुमको छोटे छोटे ऐसे यू नो अम्म नजर आती हैं वो उसके कुछ नहीं है वो एक्सिलरी बर्ड्स हैं और इसी आलू के नोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं आइज ऑफ पटेटो क्या बोलते हैं eyes ऑफ पटेटो ये क्या है eyes ऑफ पटेटो जिसके पास एक्सिलरी बड है जहां से एक नया पौधा बन सकता है आंखें हैं बेटा पटेटो की ठीक है आंखें हैं नेक्स्ट आ जा जाता है आपका प्याज प्याज में आपको कैसा अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलता है दैट इज बल्ब सो इट इज द स्मॉलेस्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया ये सबसे छोटा है सबसे बड़ा कॉम था सबसे छोटा चारों में से बल्ब है ठीक है बल्ब है दूसरा बेटा ये क्या है ये आपको दिखेगा आपके प्याज में, गार्लिक में यानी कि इट वॉज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ लीली एशी फैमिली दैट इज अनियन गार्लिक लिली ठीक है होता क्या है बेटा अगर आप प्याज देखेंगे एक तो प्याज के ऊपर की कवरिंग है कवरिंग तुम हटाओगे तो ये जो तुम खा रहे हो ना वो प्याज की क्या है पत्तियां तो बेसिकली बेटा अगर प्याज को मैं यहां पर देखू तो व्हाइट से कलर का पोर्शन होता है याद करो बेटा जो फेंक देते हैं हैं हम लोग कहते कैंसर कॉजिंग है है ये ये बेटा आपका स्टेम है, जो प्याज में हम लोग उतार देते हैं फिर ऊपर इस तरीके से आपको दिखाई देता है है ना ये प्लाज प्याज की फ्लैशी पत्तियां हैं ओके और इसी स्टेम से तुमको क्या निकलती हुई दिखाई देती है रूट्स ठीक है तो यार ये जो है दिस इज द स्टेम ये मोडिफेफाइड स्टेम है और नीचे तुमको यहाँ से क्या दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पर रूट से दिखाई दे रही है तो बेसिकली आप प्याज में क्या खा रहे हो आप यार स्टेम को तो निकाल के फेंक देते जनरली पीसने वाले पीस भी देते हैं आप प्याज की क्या खा रहे हैं पत्तियां खा रहे हैं फिर बेटा प्याज की जो सबसे बाहर वाली पत्ती है वो ना सूख जाती है सबसे बाहर वाली प्याज की पत्ती जो है वो बेटा सूख जाती है और इस कलर की हो जाती है ये देखो एस कलर की यस दिख रहा है बार वाला छिलका जो छिलका है छिलके को क्या बोलते हैं ट्यूनिक बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्यूनिक तो यार ये वो पत्ती है जो सूख चुकी है फॉर द प्रोटेक्शन अंदर की पत्ती को बचाने के लिए अब यार प्याज के बिल्कुल सेंटर में जाके देखो यस प्याज लेके आओ प्याज के बिल्कुल सेंटर में जाकर देखो यहां पर होता है इसका बड कुछ जगहों पे ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है इसको अलग से खाया जाता है क्योंकि हल्का ना मीठा होता है हल्का क्या होता है मीठा होता है ओके जी ठीक है क्लियर हो गया प्याज का तो जो यार अपने क्या कितने बच्चों ने आज तक प्याज काटा है जरा मुझे सच बताओ कितने बच्चों ने प्याज काटा है छीला है काटा है अपनी मम्मी से के साथ मदद कराते हुए क्या बात है नाइनटी नाइन परसेंट बच्चों ने प्याज छीला है गुड हाँ तो आपको पता होगा कि ये मैं किस वाइट वाले पोर्शन की बात कर रही हूं जो आप निकाल देते हैं उसमें से ठीक है मेरा वो फोन चला गया नहीं तो मैं तुम्हें फोटो दिखा देती हूँ क्वेश्चन पूछूंगी कल मैं सीधा आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं ठीक है तो यार ये बात हो गई आपकी अंडरग्राउंड स्टेम की किसकी बात हो गई अंडरग्राउंड स्टेम की क्लियर है तो चार तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम बेटा हमने यहां पर किया है राइजोम कॉम एंड देन ट्यूबर एंड हमने किया है बल्ब सबकी एग्जाम्पल अल्टीमेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट में हट जाती हूं जिस बच्चों को स्क्रीन शॉट लेना है वो स्क्रीन शॉट भी यहां से ले सकता है इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ओके आई होप इट इज डन है ना क्या बात है प्याज काटा नाइनटी सेवन बाकी के बच्चों ने क्या यार कभी मदद नहीं की अपनी मम्मी की किया करो यार हेल्प किया करो अपने मदर की पेरेंट्स की या जो भी कुक कर रहे हैं आपके फादर कुक कर रहे हैं मदर कर रहे हैं तो उसकी बेटा आपको हेल्प करनी चाहिए थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन प्याज काटना टमाटर काटना इज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन है ना हाँ मैम हम नहीं काटते हमारा वो ऐसे ऐसे करने वाला कटर काटता है क्या बोलते हैं उसको चॉपर छीलोगे तो तुम ही ना यस छीलोगे तो तुम ही कि चॉपर छील देगा आके प्याज को छीलना उसका ट्यूनिक तो तुम ही उतारोगे ठीक है यस तो अब आ जाते हैं बेटा सब एरियल स्टेम का हमने अंडरग्राउंड स्टेम कर लिया सब एरियल स्टेम एग्जांपल 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 सारे दिखाऊंगी अभी हां जी सब एरियल स्टेम की बेटा अगर कर बात करें तो ये सबसे पहले छोटे पौधों में जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ना उनमें दिखाई देता बड़े बड़े पौधों में ये दिखाई नहीं देता होता क्या है मान लीजिए बेटा ये प्लांट है ये ग्राउंड का सर्फेस है ऊपर उसकी स्टेम है अब स्टेम की ध्यान देना स्टेम की ये एरियल स्टेम है दिख रहा है ये एरियल स्टेम है अब ये स्टेम की एक ना ब्रांच निकली यहां से देखो ये है इसकी लेटरल ब्रांच ठीक है ये जो लेटरल ब्रांच है ये सरफेस से बड़ा नजदीक है सरफेस से बड़ा नजदीक है धीरे 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 कुछ समय बाद बेटा यही जो ब्रांच है ना ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेटा ग्राउंड को टच करती हुई निकलेगी इस ब्रांच को अब अपने क्या बोलते हैं इस ब्रांच को बेटा अब अपने क्या बोलते हैं सब एरियल इसको मैंने अब सब एरियल क्यों बोला है क्योंकि इसका एक हिस्सा ग्राउंड को टच कर रहा है ठीक है और दूसरा हिस्सा हवा के टच में है। तो यार आधा एरियल हुआ ना पूरा एरियल तो नहीं हुआ फुल एरियल तो ये वाला एक हिस्सा ग्राउंड को टच कर, कर रहा है so इसका सिर्फ एक ही काम है क्यों होता है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है यार क्यों कर रही है ओनली एंड ओनली पर्पज इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ एक ही काम के लिए है ओनली वन पर्पज सिर्फ vegetative, vegetative एक ही काम है बेटा इसका किस लिए हो रहा है लेटरल याद रखेंगे अब करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेप अगेन मैं इसको चार टाइप्स का लिखूंगी अपनी इस कॉपी को लैंडस्केप मोड में कर लो ताकि तुम इस चार डब्बा बना पाओ ठीक है डब्बा बनाने के लिए रेडी चलो आ जाओ

थर्ड टाइप बेटा जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ऑफसेट ये तो पढ़ते हुए बहुत जमाना हो गया थर्ड लास्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सकर्स तो यार सकर ऑफसेट स्टोलॉन एंड रनर तो पहले तो नाम याद करो पहले तो बेटा मेरे साथ साथ क्या याद करिए नाम याद करिए स्टार्ट करते हैं बेटा रनर से रनर में क्या सीन है रनर में क्या सीन है रनर बेटा देखने को मिलता है आपकी स्ट्रॉबेरी में पहले लिख लो ओहो ये कौन सी भाषा गई इट इज सीन इन स्ट्रॉबेरी ऑग्जालस एंड ग्रासिस ग्रासिस क्या हो रहा है बेटा इसमें इसमें क्या हो रहा है इस तरीके का मामला हो रहा है मान लीजिए ग्राउंड का सरफेस है ये बेटा आपका स्टेम यहां से निकल रहा है ये बेटा इसके आगे ब्रांचेस निकल रही है मान लीजिए ये इसकी रूट्स हैं अब यार एक जो स्टेम है एक जो बेटा इसकी लेटरल ब्रांच है वो इस तरीके से सब एरियल वे में इधर नजदीक आ गई उसको क्या मिल गया उसको भी क्या मिल गया ग्राउंड मिल गया उसने बेटा यहां पर क्या बना ली? Roots बना ली ली रूट्स यानी कि कोई लेटरल ब्रांच जो धीरे धीरे ग्राउंड के नजदीक सबसे नीचे वाली ब्रांच सबसे नीचे देखो सबसे नीचे वाली ब्रांच है ना सबसे नीचे वाली ब्रांच को क्या मिला ग्राउंड मिला मॉइस्चर मिला सारी फेवरेबल कंडीशंस मिली और यहां से बेटा क्या बननी शुरू हो गई आपकी रूट्स बननी शुरू हो गई ठीक है यानी कि अगर इस ब्रांच को ग्राउंड मिला और उसी जगह क्या था नोड था ध्यान देना बेटा नोड तो चाहिए ना अपने को रूट बनाने के लिए उसी जगह क्या प्रेजेंट था बेटा नोड था तो यहां से बेटा आपको क्या निकलनी शुरू हो गई इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई तो लेटरल ब्रांच को अगर ग्राउंड मिले नोड वाली जगह को मिल जाए रूट निकलने शुरू हो जाए दैट इज रनर जी नेक्स्ट है अपना स्टोलॉन स्टोलॉन और रनर में अंतर क्या है ध्यान दीजिए बेटा स्टोलॉन और रनर में अंतर क्या है मान लीजिए बेटा ये ग्राउंड का सरफेस है यहाँ आपका स्टेम है ये ऊपर ऐसे पत्ती निकल रही है बेटा यहां से निकली एक लेटरल ब्रांच इस लेटरल ब्रांच के नोड से यहाँ बनी एक आर्क देख रहे हो ये एक आर्क बन रही है राइट right? और इस जगह से बेटा क्या निकले आपकी रूट्स निकले एंड यहां पर क्या निकला स्टेम निकला कैन यू सी ये मिंट और जैस्मिन में होता है स्टोलोन और रनर में अंतर क्या है कि वहां पे मामला जरूरी नहीं है आर्क बनाए यहाँ पे मामला क्या बना रहा है बेटा आर्क बना रहा है कैन यू सी आर्चेस ऐसे हाफ डी टाइप सेमी सर्कल टाइप ठीक है सो यू सी देसमिन तो रनर जैसा ही है लेकिन यहां पर क्या बन रही है आर्क बन रही है आर्चिस तुम्हें दिखाई देंगी बिल्कुल ऐसे सीध में नहीं जाएगा रनर की तरह तुम्हें थोड़ा सा ऐसे ऊपर होते हुए दिखाई देगा नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ऑफसेट्स ऑफसेट्स आपको लैंड नहीं पानी वाले पौधों में मिलते हैं यानी कि दिस इज सीन इन हाइड्रोफाइट्स किसमें दिखाई देता है बेटा जी ये हाइड्रोफाइट्स में दिखाई देता है जस्ट सेकेंड हांजी किसमें दिखाई देता है पानी वाले प्लांट्स में इट इज सीन इन हाइड्रोफाइट्स ठीक है अब ये एक सब एरियल स्टेम है ये क्या है एक सब एरियल स्टेम है जैसे मान लीजिए पानी है ये पानी का आपका सरफेस है ये ऊपर बेटा इस तरीके से आपका प्लांट है ठीक है थोड़ा सा पानी के बाहर है थोड़ा सा पानी के अंदर है और यहाँ पे आपको क्या दिख रही है इसकी रूट्स दिखाई दे रही है फिर बेटा यहाँ से निकली एक ब्रांच ठीक है इस तरीके से देख रहे हो ये दिस इज एन ऑफसेट दिस इज एन ऑफसेट ज्यादा बड़ा नहीं होता छोटा सा ही होता है तभी बहुत सारे बनते हैं यहां से बेटा क्या निकलनी शुरू होंगी आपकी रूट्स और यहाँ पर बेटा नई प्लांट की पत्थी बन जाए की ठीक है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यार इसका जो इंटर नोड है वो बहुत छोटा होगा तब ये बहुत फैल जाता है मतलब एक वीड की तरह फैल जाता है ठीक है सो हेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ध्यान देना दे हैव वेरी शॉर्ट इंटर नोड जो इंटर नोड है वो क्या है बेटा बहुत छोटे हैं और नोड के ऊपर ना नोड के ऊपर ये देखो ये नोड है मान लीजिए मैं इसको यहाँ कलर देती ये ये नोड है और नोड के ऊपर बेटा इस तरीके से ना टफ टफ फाइबर निकलते हैं फाइबर रूट निकलती है और नोड से क्या निकलेगी फाइबर का टफ गुच्छा निकलेगा रूट अपने आप में एडवेंटिशियस रूट है नेक्स्ट बेटा क्या है यहां पर जो पत्तियां हैं वो ऐसे गोल 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 रोजेट टाइप अरेंजमेंट बनाती है क्या बनाती है रोजेट टाइप अरेंजमेंट बनाती है जो लीव्स हैं वो रोजेट बनाती है पत्तियों का भी इस तरीके से गुच्छा प्रेजेंट है तो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की इसके इंटर नोट छोटे छोटे है। और जाँ -जाँ पर नोड है, वहां से निकलेंगे फंक्शन ऑब्वियसली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सारी अंडरग्राउंड स्टेम का फंक्शन ही है एग्जाम्पल जी जिसको एग्जाम्पल नहीं आता बेटा वो खड़ा हो जाए और वो बैठेगा नहीं वॉटर है हमने एग्जाम्पल किया था कब इकोलॉजी में एक नहीं दस बारी ठीक है दस बारी टेरर ऑफ बेंगाल ये एक वीड है जो बहुत तेजी से फैलती है जिससे बाकी पानी में रहने वाले प्राणियों की जिंदगी बेहाल हो जाती है देन बेटा पिस्टिया पिस्टिया ठीक है आखोर्निया दैट इज वॉटर टेरर ऑफ बेंगोल एंड पिस्टिया तो ये बात हो गई आपके ऑफसेट की देन आ जाते हैं बेटा सकर देन क्या आ जाते हैं सकर अब सकर की जो डेफिनेशन एनसीआर देते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है NCRT क्या कहती है कि सकर क्या होता है मान लीजिए ये आपका एरियल स्टेम है ये आपका एरियल स्टेम है देन बेटा ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसकी लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट हुई और बेटा ऑब्लिकली ग्रो करी ये देखिए अंडरग्राउंड स्टेम की ब्रांच ऑब्लिकली ग्रो करी और बेटा कम्स आउट टू फॉर्म द न्यू प्लांट बाहर आ गई ग्राउंड से नया प्लांट बनाने के लिए देख रहे हो सकर ने क्या किया कि ये आपकी एरियल स्टेम थी ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट था इस अंडरग्राउंड पार्ट से ओब्लिक ग्रोथ हुई ये ओब्लिक ग्रोथ हुई और बेटा वो हिस्सा अचानक से बाहर आ गया टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इसको अपने लोग बोलते हैं सकर तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज़ डेफिनेशन कि द लेटरल ब्रांच लेटरल ब्रांच विच ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ सॉइल अंडरग्राउंड पार्ट एंड कैसे ग्रो करी पूछेंगे कैसे ग्रो करी ऑब्लीकली कैसे ग्रो करी ऑब्लीकली बीनीथ द सॉइल सॉइल के नीचे ही बीनीथ ओब्लीकली uh, ग्रो करी एंड देन बेटा कम्स आउट फिर बाहर आ गई टू फॉर्म न्यू प्लांट टू फॉर्म न्यू प्लांट ठीक है येस दैट इज तकर ओके okay, दोबारा सुनो द अंडरग्राउंड पार्ट ये क्रोज ओब्लीकली बीनीथ दॉल सॉइल के नीचे और फिर बेटा यहां से बाहर आ गया ठीक है एग्जाम्पल इज बनाना पाइन ऐपल क्राइसैंथम पाइन ऐपल बड़ा टेस्टी होता है एंड क्राइसेंथम ओके बेटा चलिए सो ये बात हो गई आपकी तीनों तरीके की सब एरियल स्टेम की थक गए क्या अभी से हैं थक गए थकना मना है बेटा थकना मना है और अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक वाइक भी कर दिया करो हैं लाइक नहीं करते हो तुम देख के निकल जाते हो मेहनत बेटा सिर्फ तुम्हारी नहीं लग रही मैं भी पिछले दो घंटे से खड़ी हूँ ठीक है मैं भी पिछले दो घंटे से खड़ी हूँ तो यार मिलके मेहनत करेंगे लर्न करेंगे और बायो में तो यार मुझे भी तो पेपर देना है आई आई टू गिव पेपर मैंने तुम्हें बोल दिया मैं भी फॉर्म भरने वाली हूँ मुझे भी स्कोर करना है मैं भी तुम्हारे साथ साथ टीचर को सब आता है लेकिन बेटा करना भी बहुत जरूरी है ठीक है है करना भी बहुत जरूरी है। चलो अब हवा वाली अंडरग्राउंड हो गया सब एरियल हो गया आधा हवा आधा सॉयल अब बेटा पूरा हवा में आ जाओ एरियल स्टेम नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन फॉर टुडे दैट इज एरियल स्टेम बस बेटा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन करेंगे फिर अपनी छुट्टी फिर पत्ती के बारे में फ्लावर के बारे में कल बात करेंगे कल बात करेंगे हां जी एरियल स्टेम सबसे इंपॉर्टेंट आना ही आना है आना ही आना है दैट इज गोइंग टू बी फाइलोक्लैड फाइलोक्लैड ये क्या है ये बेटा आपको मिल दिखता है कैक्टस में कैक्टस में देखा ना कितना फ्लैशिस उसका स्टेम होता है पत्ती तो होती नहीं पत्ती इज रिड्यूस टू कॉन जो उसका फ्लैशिस स्टेम है विच इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो फाइलोक्लाड बोलते हैं यहाँ पर स्टेम मोटा हो जाता है स्टेम बिकम्स फ्लैश कल मैं आपको सबकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी ये जो स्टेम है ये ग्रीन स्टेम है यहाँ पर मतलब ये क्या परफॉर्म करता है ऐसी क्यों जरूरत पड़ी अपने को क्योंकि भैया कैक्टस में पतिया इज रिड्यूस टू थोन्स वो थोड़ा करेंगे तो सारा काम स्टेम को करना पड़ता है एग्जाम्पल इज ओपनशिया कैक्टेस फैमिली के मेंबर है ओपनशिया एंड बेटा यू फोरबिया यूफोरबिया ओपनशिया एंड यूफोरबिया अगर आप ओपनशिया को ध्यान से देखेंगे तो यार इसका जो स्टेम होता है ना ये एरियल स्टेम ये चपटा 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 होता 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 है 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 कैसा होता है इसका स्टेम यस सा जबकि यूफोरबिया को अगर तुम देखोगे ऐसे लंबा लंबा सा होगा इस पे ऐसे कांटे 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 होंगे ठीक है लंबा यानी कि इसका कैसा होगा सिलेंड्रिकल यूफोरबिया का स्टेम कैसा होगा सिलेंड्रिकल ओके okay, जी तो यार ये जो है Phyloclad. बहुत आता है कि अंडरग्राउंड है सब एरियल है या एरियल है तुम बोलोगे एरियल है किसमें मिलता है ये पत्ती है, रूट है, क्या है? तुम स्टेम है, पत्ती नहीं है ना रूट है, है. कैक्टेसी फैमिली के मेंबर्स में ठीक है अब यार ऐसा फाइलोक्लेट जिसके पास सिर्फ एक ही इंटरनोड होता है ध्यान देना सो दैट टाइप ऑफ फाइलोक्लेट विद ओनली वन इंटरनोड दिस इज कॉल्ड एज क्लेडोड स्पेशल टाइप ऑफ फाइलोक्लेड विद वन इंटरनोड वन इंटरनोड दैट इज कॉल्ड एस क्लेडो एज सीन इन एस्पैर ये एक्स्ट्रा बता रही है थोड़ा सा एंड रस्कस रसकस एस्पेरागस एंड रस्कस बेटा इस पर लगा लो चार पांच सितारे बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइलोक्लेड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब बच्चे याद रखेंगे इसको याद हो जाएगा हां जी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन फाइलोक्लेड पहला ओपनशिया देन आता है सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विच इज स्टेम से निकलने वाले टेंड्रल्स स्टेम टेंड्रल्स अब यार ये कह रहे हैं कि एक्सिलरी बर्ड है प्लांट के पास तुम्हें पता है एक्सिलरी बर्ड बताया था ना ये निकली पत्ती पत्ती में यहां पर है एक्सिलरी बर्ड तो यार अपने चालू करते हैं एक्सिलरी बर्ड से ये जो एक्सिलरी बर्ड है जो एरियल स्टेम के ऊपर है ये मॉडिफाई हो जाती है मॉडिफाई होके क्या बना लेती है टेंड्रल्स टेंड्रल्स समझते हो ये ऐसे 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 वाले है ना देश आर टेंड्रल्स बेलें बना लेती है जैसे जिन पौधों की बेल निकलती है ये अपने खीरे की निकलती है कद्दू की निकलती है लौकी की निकलती है ये सब क्या है टेंड्रल्स है एंड दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम सो हेयर द एग्जाम्पल इज क्यूकुरबिट्स क्यूकुरबिट्स बेटा क्यू कुरू दैट इज़ बेटा खरबूजा कद्दू लॉकी करेला ये सब आ जाएंगे जिसमें आ जाएंगे आपका वॉटरमेलन तरबूज बेटर गार्ड करेला देन बेटा बॉटल गार्ड लॉकी कुछ के घरों में भी लगी होगी बेटा लॉकी ठीक है पंपकिन कद्दू

तीसरा और आखिरी मॉडिफिकेशन थर्ड वन टेंडल्स हो गए हाँ जी थर्ड वन इज गोइंग टू बी कांटे जो स्टेम है वो थॉर्न्स भी बनाती है लीफ भी बनाती है स्टेम भी क्या बनाती है थॉर्न्स बनाती है तो इसमें क्या हो रहा है स्टेम के पास एरियल स्टेम के पास जो एक्सिलरी बड है अगेन एक्सिलरी बड ऑन एरियल स्टेम ने क्या बनाया कांटे बना लिए क्यों बनाएंगे प्रोटेक्शन के लिए बनाएंगे किस में पाए जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स में जैसे आपका संतरा नींबू ठीक है और बॉगन वेलिया बॉगन वेलिया तो ये बात हो गई आपके थॉन्स की ठीक है हम लीफ में भी थॉन्स पढ़ेंगे लेकिन ये

ठीक है जी चलिए जब हमने एनसीआरटी का डायग्राम देखा तो सबसे पहले हमने को क्या दिखा जिंजर जिंजर के पास कौन सा है यस क्वेश्चन टू यू गाइस आप बताएंगे जिंजर के पास कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है पहले अंडरग्राउंड बता रहे ना यस जिंजर के पास कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है हां जी बेटा बता दो अदरक यस yes, बेटा कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है बताना जरा यस yes, सब बच्चे बताएंगे दैट इज गोइंग टू बी राइजोम देन आता है बेटा जिमी अमोर्फोफेलस इसके पास कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है बता दो ये सब अंडरग्राउंड है ए वाले सारे अंडरग्राउंड है यस yes, कौन सा है जिम्मी कंध के पास कौन सा है सबसे बड़ा बताओ के राइजोम था कॉम था ट्यूबर था और आपका बल्ब था हां जी जिम्मी पे आ गए हैं देख के ही बता दो यार यहां पर सब एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं तुम देख ही लो तुम देख ही लो ये वाला नहीं ये वाला टेबल देख लो अमोर्फो फेलस कहा लिखा हुआ है हां जी कहां पर लिखा हुआ है आपके कॉम में है ना सो इसके पास क्या हो जाएगा आपका कॉम पोटैटो के पास सबको पता है क्या है ट्यूबर्स ट्यूबर्स ठीक है चलिए तो इनका फंक्शन क्या है ये जो स्टेम मॉडिफाई हुई है ये किसके लिए हुई है स्टोरेज के लिए हुई है स्टोरेज ऑफ फूड नेक्स्ट बेटा देखिए सपोर्ट के लिए पर एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल्स बना रही है कहां पर बेलों पर है ना ये लॉकी कद्दू आपका इसमें बेटा जैसे पर एग्जाम्पल में क्या लिखा था, ने? लिखा था और ग्रेप वाइन लिखा था अंगूर की बेल ग्रेप वाइन एक्सिलरी बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल और फंक्शन क्या रहेगा टेंड्रिल का हमेशा क्लाइंबिंग और सपोर्ट का, का काम रहता है Then, स्पाइन लिख दिया इसने मतलब किसकी बात हो रही है थॉर्न्स की बात हो रही है और ऐसा आपको किसमें दिखता है बॉगन वेलिया के पत्ती में और बेटा स्टेम में और उसकी सिट्रस फ्रूट के स्टेम में ओके okay जी चलिए तो ये हो गया अपना प्रोटेक्शन देन आ जाता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए रूट अराइजिंग फ्रॉम द रोड दैट इज ऑग्जालिस ऑग्जैलिस फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल था रनर ये क्या बने हुए हैं आपके रनर रनर ही है ना हाँ जी हाँ रनर ठीक है तो फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए फंक्शन पता होना चाहिए अंडरग्राउंड स्टेम का फंक्शन है फॉर स्टोरेज परपज सब एरियल का फंक्शन है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एरियल में अलग अलग तरीके के फंक्शन है अगर फोटोसिंथेटिक है तो वो काम है स्टोरेज आपका सपोर्ट का काम है क्लाइंबिंग का काम है प्रोटेक्शन का काम है राइट गाइज सो विद दिस वी आर डन विद रूट एंड स्टेम तो यार आज का अपना टास्क क्या था आज का गोल क्या था आज मैंने आपको क्या एम बताया था आज का एम था कि यार अपने को मिलना है फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम तो आज हमने ये दोनों चीजें खत्म कर ली हैं सेशन अच्छा लगा तो जरूर जरूर लाइक करो ठीक है और मुझे आज शाम को मिलो राइट बेटा कब मिले आज शाम को जरूर मिले क्योंकि आज शाम को हम लोग मिलने वाले हैं पांच बजे ठीक है पांच बजे फॉर पीवाई क्यू मैराथन का पहला टेस्ट पहला पार्ट वन इज टूडे तब बच्चे इस लिंक पे जाएं और एनरोल कर लें एवरी वन गो टू दिस लिंक एंड एनरोल कल इसका पार्ट टू अपने लोग डिस्कस करेंगे मैं लिंक लिंक बेटा बेटा दोबारा टेलीग्राम पर भी शेयर चल रहा है बेटा, लिंक। अब चल रहा है अब तुम देखोगे तो चल रहा है एनरोल पे क्लिक करो नोटिफाई मी पे क्लिक करो फटाफट से क्योंकि आज पांच बजे क्लास कोई मिस नहीं करेगा सेकंड चीज बेटा आपको पता है क्रैश कोर्स पर क्रैश कोर्स पर हमारा ऑफर चल रहा था तो एक बार देख लीजिए ऑफर तो बेटा मेरे ख्याल से एक्सटेंड हुआ है सो टू सेवन नाइन नाइन का पड़ रहा है कोड क्या लगाना है सबने कोड क्या लगाना है बेटा यस तो बेस्ट क्रैश कोर्स बेटा अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कोड लगाइए सीप लाइव और आपको मिल जाएगा ये टू सेवन नाइन नाइन में ठीक है सो दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स विच इज हैपनिंग हमने इस बैच को पॉपुलर डिमांड पे अनलॉक किया नहीं तो हम करने नहीं वाले थे बेटा नहीं तो ये फाइव थाउजेंड का ही था ओरिजिनल प्राइस वॉज

शाम दोपहर को साढ़े बारह बजे विद लीफ एंड फ्लार कैसा लगा बढ़िया लगा तो यार आज एक कमेंट भी छोड़ के जाना बिकॉज आज मेरा भी फर्स्ट टाइम है एंड आप तो पुराने हो मैं तो पुरानी हूं लेकिन ये चैप्टर चैप्टर का फर्स है, का फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम है 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 ठीक तो यार मॉर्फो बिल्कुल खटाक कर देंगे हम लोग राइट right? तो कल मिलते हैं बच्चों रिवाइज करके आना लर्न करके आना कल मैं इमेजेस दिखा के आपसे पूछूंगी कल जो टेस्ट है ना वो एक पिक्शनरी करके टेस्ट होता है है ना पिक्चर दिखाते हैं और फिर आपको बताना होता है कि ये क्या चीज है ये स्टेम है रूट है और इस मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है और इस मॉडिफिकेशन का नाम क्या है ठीक है चलिए आई विल सी यू टुमारो बाय बाय एवरीवन टेक केयर